ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में गाइस हम लोग गए थे फ्रेंच रिवियरा, एक बहुत तगड़ा रेसिंग टूर्नामेंट खेलने के लिए, जिस टूर्नामेंट के जीतने पर हमें 3 लग्जरी कार्स मिली है। पहली है रेंज रोवर वॉग, दूसरी लंबॉर्गिनी SVJ 63 और तीसरी कार है विजिलांते, जो आज अपने लॉस सैंटोस आ चुकी है और मुझे उसे लेने भी जाना है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मिली है वो है अगले टूर्नामेंट, मींस वर्ल्ड के सबसे बड़े टूर्नामेंट में एंट्री। और अगर बाय चांस हम लोग उसको भी जीत जाते हैं तो भाई सच्ची में उसका प्राइस मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कितना होने वाला है, बट इतना पता है कि ये वाला जो प्राइस है ना, इसका x10 होगा। वैसे गाइस, अभी कुछ दिन पहले सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था माइकल की लाइफ में, बट जब हम लोग वहां से वापस आए फ्रेंच से और जैसे अपना प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तभी वहां पर ना गाइस काफी सारे ब्लैक ऑप्स सोल्जर आ गए और उन सभी सोल्जर ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, ट्रेवर को भी किडनैप कर लिया और उन्होंने हमसे एक चीज मांगी और वो था वो वाला गोल्डन मंकी जो कि हमने चुराया था उस तगड़े बैंक से। उन्होंने कहा था एक गोल्डन मंकी हमें वापस चाहिए, अदरवाइज भाई ये जो तुम्हारा दोस्त ट्रेवर है इसको वो लोग मार डालेंगे। तो यार देखो, वो मंकी ना इतना ज्यादा कीमती था, बट अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उस मंकी को हमें वापस करना ही पड़ता वरना यार अपना दोस्त हाथ से चले जाता। और वो जो मंकी था वो अंडरवाटर माफिया एक फाइट क्लब में हार आया था। पर खैर छोड़ो यार, वो चीज ना ही याद आए तो बढ़िया है, क्योंकि उस गोल्डन मंकी को जिस बंदे ने जीता था हमारी उससे फाइट हुई थी ताकि हम लोग उसे वापस जीत ले, बट वो बंदा बहुत ताकतवर था भाई, उसने भूत बना दिया तो हमें कुछ ऑप्शन बचा नहीं था, वहां पर गोलियां चढ़ानी पड़ी और वहां जितने भी बंदे थे और जो उस फाइट क्लब का ओनर था उसको हमने मार डाला। और उस गोल्डन मंकी को लेकर हम लोग आ गए और ले जाकर दे दिया उन टेररिस्ट को, बट टेररिस्ट भी भाई ऐसे बाज नहीं आए, उन्होंने उस गोल्डन मंकी को तो ले लिया बट ट्रेवर को इतनी इजीली छोड़ा नहीं, उल्टा भाई वो लोग हमें मारने का प्लान बनाकर बैठे हुए थे। जैसे हम लोग वहां से निकल रहे थे उन्होंने भाई गाड़ी ब्लास्ट कर दी, बट अच्छी बात थी कि हम लोग जैसे तैसे बच गए। फिलहाल अपने पास कोई भी ग्लासेस ही नहीं बचे हैं यार, वो भी चलो चलकर खरीदने पड़ेंगे। फिलहाल अभी सबसे पहले चलते हैं अपनी गाड़ियों की डिलीवरी लेने के लिए, अपनी वो जो अपनी जो मर्सिडीज थी जिससे हमने वो रेसिंग टूर्नामेंट जीता था, वो भी टूट गई थी जब हम लोग वहां से वापस आ रहे थे, क्रैश हो गई थी, बट ये है कि चलने फिरने की हालत में थी। तो चारों गाड़ियां अपनी लॉस सैंटोस पहुंच चुकी है, अभी फटाफट से गाइस जाकर मुझे चारों गाड़ियां उठानी है, उसके बाद उन्हें लेकर आएंगे, बैनी के हाथ में पकड़ा देंगे, थोड़ी बहुत मॉडिफाई करवा देंगे। वैसे वो जो गाड़ी ना विजिलांते, वो तो भाई उसे ले जाकर बेचेंगे। फिलहाल अपनी सारी गाड़ियां जो है जिमी अपने घर पे लाकर खड़ी कर देता है, एकदम बढ़िया है। अपनी लंबॉर्गिनी उरुस थी काफी टाइम पहले, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने उसे कहां पर ले जाकर खड़ा करा है, चलो कोई नहीं उसे ढूंढवा देंगे किसी ना किसी से। फिलहाल अभी ये बाइक लेकर ही चलते हैं, मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। अपनी सारी गाड़ियां भाई घर में एकदम ही सेफ रहती है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। लेट्स गो गाइस, फटाफट से हम लोग पहुंचते हैं सीधा उस जगह पर, वो जो अपना शिप वाला एरिया है, उन्होंने कार्गो प्लेन से नहीं भिजवाई सारी गाड़ियां, शिप के थ्रू भिजवाई है फ्रेंच से, तो तभी इतना ज्यादा टाइम लग गया उन्हें यहां तक आने में। चलो कोई नहीं, गाड़ियां एकदम ओके इजिली पहुंच गए होंगी, फटाफट से उन्हें उठाते हैं और लेकर चलते हैं सीधा बैनी के पास। वैसे गाइस, ये जो अपनी बाइक है कावासाकी निंजा S2, ये आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। फिलहाल इस बाइक को ना मुझे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवाना है, मतलब यार पहले एकदम बढ़िया से चलती थी, बट जब मैं लास्ट टाइम इसको अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड से वापस लेकर आया ना, उसके बाद से उसने पता नहीं यार इसमें क्या मॉडिफिकेशन करवाई है, इसकी ब्रेकिंग ना ढंग से काम नहीं कर रही है। देखो मैं ब्रेक मार रहा हूं ना, तो स्टंट तो एकदम प्रॉपर लग रहा है, बट उसने मेरे को पता है क्या लग रहा है कि प्रॉपर इस बाइक को ना स्टंट के लिए बनवा दिया। ये देखो भाई, इतनी ज्यादा तगड़ी स्टोपी कैसे लग सकती है भाई इसके अंदर, मतलब क्या ग्रेविटी खत्म हो जा रही है क्या? बाकी अगर आगे की हमें व्हीली मारनी है तो भाई वो भी इस बाइक के अंदर बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, ये देखो, बट बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया भाई इसमें ब्रेक बहुत ज्यादा स्लो काम कर रही है, इसलिए मैं धीरे धीरे ही चला रहा हूँ इसे। तो ओके गाइस, लेट्स गो। अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर सीधा उस जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहां पर इन लोगों ने अपनी कार्स को डिलीवर करा है, तो बस मुझे आगे वाले कट से अपनी बाइक को लेफ्ट मोड़ना था और ये ट्रेन आ गई भाई। चलो कोई नहीं, फिलहाल ज्यादा लंबी नहीं है, इसको चले जाने देते हैं और फटाफट से गाइस हम लोग अपनी गाड़ी लेकर आगे चलते हैं। वैसे गाइस, जहां तक मुझे पता है ना, इस जगह पर मैक्सिमम जितनी भी गाड़ियां शिप से आती है ना, वो सारी यहीं पर डिलीवर होती है। तो मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि कभी कभार मान लो कोई ऐसी गाड़ी आ जाए जिसको हम लोग चुरा सके तो काफी नहीं यार, नहीं चोरी वोरी कमी करनी पड़ेगी, ज्यादा ही हो रही है। फिलहाल गार्ड साहब जल्दी से गेट खोल दो यहाँ पर, भैंस के इधर आ जा तू भाई, मेरी गाड़ियां डिलीवर हुई है यहाँ पर, मैं कोई इधर आ, ये पहले पिटेगा मेरे से, हमेशा का इनका हो रखा है। जब भी मैं कोई सस्ती बाइक या कार ले आता हूँ भाई, ये लोग गेट ही नहीं खोलते हैं, इसको तोड़ना ही पड़ेगा, टूटेगा भी नहीं, रुक जाओ, उसमें बाइक से ही टक्कर मारेंगे भाई, दिमाग खराब, मुझे पता था ये गेट नहीं खोलेगा, हटा इसको। तो यहीं कहीं पर उन्होंने बात करी थी गाड़ी को डिलीवर करने के लिए, बट मुझे यहाँ पर नजर तो नहीं आ रही है। हेलो, मुझे यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी ट्रेलर या फिर कोई भी ट्रक वगैरह नजर नहीं आ रहा जिसके अंदर अपनी गाड़ी आई होगी। फिलहाल इधर एक वेयर हाउस है, शायद से शिप से आई होगी ना, तो पक्का इस वेयर हाउस के अंदर ही खड़ी होगी। तो यहीं से हम लोग अपनी बाइक के अंदर लेकर चलते हैं,
एक तो यार इस बाइक के कंट्रोल्स इतने ज्यादा बेकार हो गए ना, मैं क्या, ओ भाई यहाँ तो कोई भी शिप भी नहीं है, पागल तो नहीं बना दिया उन लोगों ने मेरे को गाड़ी के नाम पर, कोई भी गाड़ी यहाँ मेरे को नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर ऐसे 500 वेयर हाउस है, पता नहीं किसी न किसी के अंदर तो अपनी गाड़ी आई होगी। फिलहाल ये भी खाली है, लेफ्ट वाला भी खाली है, ओ ओ ओ तो ये वाला भी खाली है। मुझे लग रहा था यहाँ पर ट्रक खड़ा हुआ है, वैसे गाइस एक सेकंड, उस वेयर हाउस के पार एक ट्रक खड़ा हुआ है, जल्दी से चलकर देखते हैं, शायद से यही है गाइस वो ट्रक जिसके अंदर अपनी सारी गाड़ियां आई है। ओ भाई यहाँ पर वो बंदे भी खड़े हुए हैं जो कि ये लेकर आए हैं, तो फटाफट से अपनी बाइक को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और चलकर इनसे बात करते हैं कि अपनी ही गाड़ियां या फिर किसी और की है। वैसे ट्रक कुछ ज्यादा लंबा नहीं है भाई। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इन भाई साहब से बात हो गई है और ये कह रहे हैं कि पहले ना तुम ट्रक के अंदर जाकर देख लो तुम्हारी गाड़ियां तीनों की तीनों यहाँ पर सही सलामत पहुंची है या फिर नहीं, और अगर सारी गाड़ियां एकदम ओके होगी तो उसके बाद हमें बस एक पेपर पे साइन करना है और ये जो ट्रक है इसको और साथ में इस ट्रेलर को लेकर निकल लेना है सीधा अपने शोरूम के लिए या फिर अपने घर के लिए। बट पहले ना हम लोग इसके अंदर चलकर चेक करते हैं अपनी सारी गाड़ियां यहाँ पर सही सलामत आई है या फिर नहीं। वैसे ये लोग शिप से लेकर आए हैं बट इन्होंने हमें ट्रेलर भी दिया है इसे घर तक पहुंचाने के लिए। तो ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं इस बड़े से ट्रेलर के अंदर आ चुका हूं जिसके अंदर अपनी सारी गाड़ियां लोड है और मुझे बस इन गाड़ियों को चेक करना है कि ये सही सलामत यहां पर डिलीवर हुई है या फिर नहीं। फिलहाल ये है अपनी लैम्बोर्गिनी SJ63 जो कि हमने जीती थी, ये एकदम ओके है, और ये है अपनी भाई मर्सिडीज AMG, और इस गाड़ी की हालत काफी ज्यादा सच्ची में खराब हो गई और ये मैंने ही ठोकी थी, इसमें इन लोग की कोई गलती नहीं है। जब रेस एंड हो गई थी तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और ले जाकर मैंने दीवार में भिड़ा दी थी, और ये है भाई अपनी विजिलेंस। और एक सेकंड यार, वहां पर तो ये क्रोम ओके यहां पर ज्यादा लाइट्स नहीं है ना, ये गाड़ी पे जब लाइट पड़ेगी ना तो एकदम पूरा ऐसा मिरर जैसे काम करने वाली है। फिलहाल ये ट्रेलर काफी ज्यादा बड़ा है और मैं पीछे नहीं जा पाऊंगा, पीछे वाले रूम में शायद से अपनी रेंज रोवर खड़ी होगी। फिलहाल अभी हम लोग ना यहां से पहले तो बाहर निकलते हैं, मैं कह देता हूं इनको यार सारी गाड़ियां ठीक है सही सलामत ही लाए हैं, क्योंकि दो गाड़ियां ठीक है तो सीधी बात है रेंज भी ठीक ही होगी। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं इस मॉक ट्रेलर से बाहर आ चुका हूं, फटाफट से हम लोग चलकर साइन कर देते हैं कि हां भाई सारी गाड़ियां एकदम प्रॉपर यहां पर पहुंच चुकी है। और ट्रेलर को मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे यार अपने शोरूम तक लेकर जाऊंगा। सही है कि शोरूम है अपने पास इतना बड़ा, वरना इसे घर पर ले जाना होता तो बहुत दिक्कत आ जाती, ये पतली पतली गलियों में कैसे चलेगा मुझे नहीं मालूम। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने साइन कर दिया है और वो भाई साहब जो अपनी बाइक के साथ खड़े होकर सेल्फी खींच रहे हैं एकदम बढ़िया से। चलो कोई नहीं यार, इस बाइक को ना हम लोग बाद में आकर ले जाएंगे, फिलहाल के लिए यहीं पर खड़े रहने देते हैं। और भाई एक बार आप लोग ध्यान से देखो, ये जो ट्रक है भाई कितना ज्यादा बड़ा है भाई, इसको चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। ये यूटर्न कैसे होगा, मुझे पूरा आगे जाना पड़ेगा क्या इसको लेकर? चलो कोई नहीं भाई, अभी लेकर तो जाना ही पड़ेगा। वैसे अच्छी बात तो है कि हाईवे से ही हम लोग निकल जाएंगे सीधा अपने शोरूम के लिए। और ये वाला जो दूसरे गेट में क्या ऑयल नहीं डाला गया भाई, ये क्यों नहीं काम कर रहा? मुझे अपने भाई एक सेकंड, पहले तू ही निकाल ले, पहले इसको चले जाने दो भाई, जा जल्दी जा वरना पता चले मैं अपने ट्रक को बाहर निकाल रहा हूँ और ये पीछे से टक्कर मार रहा है उसमें, तो आराम से मुझे पहले से मोड़ना पड़ेगा, बहुत टाइम जाने वाला नहीं यार, इजिली निकल जाएगा। तो गाइस मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी बट यार अपना ट्रक तो इजिली एक ही बार में वहां से बाहर आ गया। वैसे अच्छी बात है भाई, लॉस सैंटोस के जो हाईवे है ना वो काफी ज्यादा चौड़े चौड़े है। फिलहाल ये वाली गली बहुत ज्यादा पतली है, गली नहीं है रोड है, बट हाँ बहुत ज्यादा पतला ही है। चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से हम लोग ना अपने ट्रक को यहाँ से बाहर निकालते हैं और वो जो आप हाईवे देख पा रहे हैं ना ऊपर, मुझे उस हाईवे को ही पकड़ना है और फटाफट से ये वाला हाईवे पकड़कर हम लोग सीधा निकल लेंगे अपने शोरूम के लिए। तो पूरा ट्रक मुझे घुमा कर ही लाना पड़ेगा आगे से, तभी हम लोग इस हाईवे पर जा पाएंगे। फिलहाल ट्रेन आ रही है भाई, तू जल्दी से निकाल, ठोक मत देना मुझे पीछे से कोई, इस ट्रेन को ये ट्रक वाले को भी ही जाना है। ओ भाई भाई मेरे को निकाल ले दिन तो भाई, वरना ट्रेन ठुक जाएगी। ओ हेलो भाई 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 आराम से भाई, अभी बड़ी गंदी तरह ठुकता उस ट्रक वाले के चक्कर में, मन तो कर रहा है अपने ट्रक से उतरू और जाके उसके मैं पहले ना बजा कर आऊं भाई। यार इसको एक तो ड्राइव करना इतना ज्यादा मुश्किल है ना, ऊपर से ये जो बंदे हैं भाई सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं मेरे को, ओवरटेक करने में लगे हुए हैं। अभी एक आदमी ठुक जाएगी ना तो उनसे ज्यादा नुकसान मेरा हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर भाई चार गाड़ियां खड़ी हुई है भाई, वो भी बिल्कुल एकदम न्यू। अपनी मर्सिडीज थोड़ी पुरानी है मैं ये बात मानता हूँ, बट हाँ यार फिर भी काफी ज्यादा महंगी कार है, थोड़ी बहुत और टूटेगी तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली इतनी ज्यादा मुसीबतों का सामना करके हम लोग अपने ट्रक को हाईवे पर लेकर पहुंचने वाले हैं। अब बस ये यहाँ से राइट मुड़ जाए वो भी प्यार से तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेट्स गो भाई, देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया है, मतलब बड़ा है बट इसके कंट्रोल्स ना काफी ज्यादा सही है, इजिली कहीं पर भी भाई एडजस्ट होकर ये मुड़ जाता है। लेट्स गो गाइस, अभी फटाफट से बस मुझे इसे भगाना है और बहुत ज्यादा दूर लेकर जाना है, मतलब अपना शोरूम तो पास में है बट आपको पता है भाई मैं शॉर्टकट्स नहीं मार सकता, हाईवे से ही जाना पड़ेगा। और देख लो ये सब सीन होगा तो मुझे रुकना भी पड़ेगा रेड लाइट पे, फिलहाल ये एक ही रेड लाइट है इस हाईवे पे, मेरे हिसाब से आगे कोई भी रेड लाइट नहीं आने वाली। फटाफट से इसे भगाते हैं, हट जाओ भाई, अगर अभी कोई आया ना मैं ठोक डालूंगा, सही बता रहा हूँ,
इसको ड्राइव करने में तो मजा आ रहा है, बट थोड़ा बहुत ध्यान रख के ही चलाना पड़ेगा। ओके गाइस, फाइनली वो फ्लाईओवर आ चुका है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। अब हम लोग अपने ट्रक को यहाँ पर भगा सकते हैं 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, बट नहीं यार ये ज्यादा हो गया। इतने से भगाऊंगा ना और बाय चांस ब्रेक मारनी पड़ गई तो ब्रेक लगने नहीं वाली, सीधा अपना ट्रक कहीं ना कहीं जाकर ठुकी जाएगा। फिलहाल थोड़ा बहुत ध्यान से रख रख के ड्राइव करके सबको ओवरटेक मार के यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली हम लोग अपने ट्रक को लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा अपने शोरूम में। और गाइस बीच रास्ते में ना यार सही बताऊं बहुत ज्यादा दिक्कत आई है, कम से कम 10 से 15 बारी एक्सीडेंट होते होते बचा है, मेरा नहीं सामने वाले बंदों का। क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई बड़ी बड़ी एसयूवी ट्रक के आगे इतनी ज्यादा छोटी सी लग रही है ना, मैं क्या बताऊं। फिलहाल अभी ना बीच रास्ते में मुझे लेस्टर का भी कॉल आया था और वो कह रहा है कि जल्दी से जल्दी ना यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचो, शायद से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। वो जो गाइस हमने सारा का सारा पैसा नहीं गोल्ड और डायमंड चुराए थे ना उस बैंक से, शायद आज वो सारे बिक चुके हैं और आज उन सभी का बिका हुआ पैसा हम 500 लोग में बटने वाला है। भाई भाई बहुत सही हो जाएगा, हम लोग अपने शोरूम के बिल्डर को भी सारी पेमेंट कर देंगे और नई गाड़ियां भी लेकर आ जाएंगे, अपना बिजनेस ऐसे ही तो आगे बढ़ेगा भाई। फिलहाल इस ट्रक को यहाँ तक लाना ना सच्ची में बहुत ज्यादा मुश्किल था। और वो खड़ी थी भैंस की, और बहुत ज्यादा चौड़ा ट्रक है भाई, इतने चौड़े रोड पे भी भाई इतनी दिक्कत आ रही है। हाँ तो गाइस मैंने बैनी को बोला था फटाफट से जो लैम्बोर्गिनी टायर जो है ना उसे ऊपर लाकर खड़ा कर दो, उस टाइम पर मैं अपने ट्रेलर को भी ना ऊपर ही लेकर जाने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां नहीं है और वैसे भी ये बेचनी नहीं है, ये शोरूम में हम लोग शो ऑफ के लिए लगाने वाले आगे काफी बढ़िया लुक आ जाएगी भाई अपने शोरूम की। फिलहाल बैनी कह रहा है कि पिछले एक हफ्ते से कोई भी कस्टमर ही नहीं आया भाई इतने बड़े शोरूम में। चलो कोई नहीं देखते हैं, अभी हमें ना काफी ज्यादा बंदे रखने पड़ेंगे जो कि बंदों के घर से गाड़ियां लेकर आएंगे उनको रिपेयर करने के लिए, तभी तो यार हमने इतने सारे टो ट्रक्स खरीदे थे। फिलहाल अभी जल्दी से चलकर हम लोग बैनी से बात करते हैं और उसको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर अपनी जो मर्सिडीज है उसका एक्सीडेंट हो गया था लास्ट में, थोड़ी सी क्रैश होगी आगे से, उसे रिपेयर करना है, बाकी सारी गाड़ियों को शो ऑफ के लिए लगाना है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल बैनी से बात हो चुकी है और गाइस ये कह रहा है कि भाई जल्दी से कुछ करो, अपने शोरूम में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है क्योंकि अपने पास कोई ज्यादा गाड़ियां है नहीं, जो 3-4 सुपर कार्स आई थी वो भी बिक गई है और लास्ट एक वीक से तो यार कोई भी बंदा शोरूम में आया नहीं है, ना ही गाड़ी खरीदने ना ही रिपेयर करवाने। और साथ ही भाई लमार भी 2 गाड़ियां लेकर गया था बेचने के लिए और उसने अभी तक उसके पैसे लाकर नहीं दिए हैं, ऐसा हमें बैनी कह रहा है। चलो कोई नहीं, फिलहाल लमार से मैं बात करूंगा, वो बंदा धोखाधड़ी वाला नहीं है, काम कर देगा। तो चलो गाइस अभी फटाफट से हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी टायर्सो लेकर निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए लेस्टर के पास। बाकी तो यार इस गाड़ी की हाइट आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई, इतनी ज्यादा कम है कि ट्रक के नीचे से भी कितनी ज्यादा प्यार से निकल गई है। तो गाइस एक बार आप लोग यहाँ पर देखो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज्यादा कम है ना कि पूरे टाइम जमीन में बस घिसड़ती रहती है। फिलहाल अभी थोड़ा सा बढ़िया रोड आ चुका है और अभी कोई मुसीबत की बात नहीं है क्योंकि हमें कोई ट्रक व्रक नहीं चलाना, बढ़िया सुपर कार मिल चुकी है और इस गाड़ी से मुझे लॉस सैंटोस पहुंचने में ना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें जो ड्रिप लगती है ना भाई वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिलहाल चलो सारे रास्ते खाली है, जल्दी से गाड़ी भगाते हैं। तो ओके गाइस लेट्स गो, अभी फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी टायर्स लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री पे। बस मुझे आगे वाले गट से अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ना है और फिर दोबारा से लेफ्ट मोड़ना है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार लेस्टर ने मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया, मतलब कि ये फैक्ट्री इतनी ज्यादा पुरानी है ना कि यहाँ पर आने का भी मन नहीं करता यार कसम से। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी जल्दी से चलते हैं, पैसा भी तो लेना है भाई, बहुत ज्यादा कैश होगा यार, मतलब गोल्ड इतना सारा हमने वहां से चुराया था, कम से कम 4 से 5 बैग, बट उससे भी ज्यादा जो कीमती चीज थी वो थी सारे डायमंड्स भाई, पूरा एक सूट केस डायमंड हमने वहां से चुराया था। और अगर वो गोल्डन मंकी हमारे हाथ से नहीं जाता ना तो भाई पता नहीं कितना ज्यादा पैसा अपने पास हो जाता, बट कोई नहीं अभी भी भाई पैसों की कोई कमी नहीं है, जल्दी से चलते हैं और फटाफट से गाइस लेस्टर हमें जितना पैसा दे रहा है भाई उसको लेकर निकलते हैं भाई सीधा बिल्डर के पास, उसको पेमेंट करनी है अपने नए वाले शोरूम की ताकि वो फटाफट से कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद लिबर्टी जाकर ना सारी नई नई गाड़ियां लाकर उस शोरूम में रखेंगे। और बाकी यार इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस इतनी कम है ना कि जमीन पर अगर एक पत्थर भी पड़ा होता ना ये देखो कैसे इसके अंदर चिपक जाता है, एक छोटी सी बोतल भी पार नहीं कर पा रही है, स्क्रैच आ रहे होंगे भाई गाड़ी पे। चलो कोई नहीं, फिलहाल ये BMW किसकी खड़ी हुई है यहाँ पर, शायद लेस्टर की होगी। चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं और फटाफट से चलते हैं सीधा इस फैक्ट्री के अंदर लेस्टर से बात करने के लिए और देखते हैं भाई कितना पैसा आखिरकार आज हमें लेस्टर के थ्रू मिलने वाला है। तो ये रहा अपने लेस्टर भाई साहब का ऑफिस और मेरे हिसाब से वो ओके, तो यहीं पर ऐसे बात कर लेते हैं। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस एक हमें बहुत तगड़ी गुड न्यूज
न्यूज मिली है, मतलब कि बैड न्यूज थी बट हम लोग इसको गुड न्यूज में कन्वर्ट करने वाले हैं। जो नया वाला मिलिट्री कर्नल आया ना, आप लोग को पता होगा उसने बिग माफिया के भाई को छोड़ दिया है, बट अभी तक हम लोग इस बात को लेकर 100% श्योर नहीं है क्योंकि हमने उसे देखा नहीं है। और साथ ही लेस्टर ने ना लास्ट नाइट उन सभी लोग की कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली, मीन्स जो न्यू मिलिट्री कर्नल है उसका पूरा प्लान है हम चारों लोग को अरेस्ट करने का। वो जो हमने लास्ट हाइस्ट करी थी ना लोम बैंक में गोल्ड डायमंड और कैश की, उसके बारे में उसे पता चल गया है। और इसीलिए गाइस हम लोग वो सारे प्रूफ्स मिटा रहे हैं ताकि उन्हें हमारे बारे में कुछ भी पता ना चल पाए। तो इसीलिए गाइस लेस्टर ने हमें यहां पर बुलाया है। ये जो आप देख पा रहे हो ना टोस्टर के अंदर इसने जो न्यूज़पेपर लगाया है, इससे इस पूरी फैक्ट्री में आग लगाने वाला है। एक बार पहले भी हमने इस फैक्ट्री में आग लगाई थी जब हमने ज्वेलरी हाइस्ट करी थी, बट दोबारा से इसमें आग लगानी पड़ रही है और अब हम लोग दोबारा यहां पर कभी नहीं आएंगे। पूरी जगह पर हम लोग इस पेट्रोल को डाल देंगे और आग लगाकर अभी हम लोग यहां से निकल लेंगे। गाइस सही है कि लेस्टर ने मिलिट्री कर्नल के ही डिवाइस को हैक करके उसकी कॉल रिकॉर्डिंग उसके आने से पहले सुन ली, अदरवाइज वो यहां पर पहुंचता ना तो उसे कुछ ना कुछ तो प्रूफ मिल जाता और हम लोग यार सच्ची में बहुत बुरी तरह फंस जाते। बट अभी सब कुछ ओके है, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इस पूरी फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर हमने पेट्रोल ही पेट्रोल डाल दिया है और अभी मैं इस पेट्रोल को डालता डालता सीधा नीचे तक आ चुका हूं। अब बस मुझे इस पर एक बुलेट मारनी है। और जो आप पूरी फैक्ट्री देख पा रहे हो जहां पर हमने डायमंड कैसीनो की चोरी का और भी पता नहीं कितनी चोरियों का प्लान बनाया था और साथ ही जितने भी प्लान के जो भी छोटे मोटे प्रूफ थे वो सारे हमने इस फैक्ट्री के अंदर ही लाकर डाल दिए हैं। एक बुलेट में सारे प्रूफ मिट जाएंगे। फिलहाल लेस्टर से एक बार पहले बात कर लेता हूं, मिटाने हैं नहीं तो। ओके गाइस अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हम लोग न्यू मिलिट्री कर्नल को हल्के में समझ रहे थे, भाई साहब उसने एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता था। मींस वो जो सारा का सारा कैश और गोल्ड है ना वो लेस्टर ने ना ही इस बिल्डिंग में, ना ही अपने घर पर, ना ही किसी और सीक्रेट बेस में रखा है। उसने वो एक ऐसे बंकर में सारा पैसा छुपा कर रखा था जिसके बारे में सिर्फ लेस्टर को ही पता था, बट पता नहीं कैसे मिलिट्री कर्नल को उसके बारे में पता चल चुका है। और वो उस बंकर पे पहुंच गया है और कह रहा है कि मुझे इसका पासवर्ड बताओ वरना उस बंकर को ब्लास्ट कर देगा उसके गेट को और अंदर जाकर देखेगा क्या है। मतलब क्या उसको 100% हमारे ऊपर शक है? मतलब शक नहीं, उसे पक्का पता है कि हमने ये चोरी करी है, बट अब वो प्रूफ बटोर रहा है। फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि तुम जल्दी से इस फैक्ट्री में आग लगाओ और जल्दी से निकलो सीधा उस जगह पर, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करता है। भाई सबसे पहले तो ना मैं क्या हो गया भाई इसको, ये तो कुछ ज्यादा ही परेशान सा हो रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं सीधा फ्रैंकलिन के पास, क्योंकि यार सच्ची में बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया है। अभी फटाफट से ना गाइस हमें वहां पर पहुंचना पड़ेगा क्योंकि अगर उस मिलिट्री भैंस की यहां पर कितने पत्थर है भाई इस गली में, अपनी गाड़ी ही निकल भी नहीं पा रही। तो हां गाइस वहां पर अगर वो मिलिट्री कर्नल पहुंच गया और अगर उसको वो सारा पैसा वहां पर मिल गया ना जो हमने बैंक से चुराया था, तो हम लोग यार सच्ची में बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। इसलिए लेस्टर कह रहा था कि तुम फटाफट से वहां पर पहुंचो, मामले को पूरा हैंडल करो, मतलब कि हो सके ना तो उसकी नजरों से वो सारा पैसा छुपा के रखना। मुझे वो सीक्रेट जगह नहीं पता थी बट अभी भी लेस्टर ने मेरे को उसकी लोकेशन दे दिया। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी टैरसो लेकर निकल लेते हैं सीधा फ्रैंकलिन के घर के लिए। बाकी यार लेस्टर भी ना अपने लिए कोई ना कोई फोर्स का जुगाड़ कर रहा है क्योंकि यार सीधी सी बात है मिलिट्री कर्नल के लिए हमें वो बंकर खोलना पड़ेगा जिसके अंदर वो सारा का सारा गोल्ड डायमंड और कैश हमने छुपा के रखा हुआ है जो कि हमने उस चोरी से लिया था। और जैसे वो बंकर खुलेगा और उसने वो सारी चीज देख ली तो सीधी सी बात है हम लोग बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। वो हमें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, अरेस्ट कर लेगा। बाकी हमें सिचुएशन पूरी हैंडल करके रखनी है, जितना हो पाए उतना वो सारा पैसा ना उससे छुपा के रखना है, बट ऐसा हो नहीं पाएगा। मुझे नहीं मालूम वो बंकर कैसा, मैं उसमें कभी गया नहीं। तो इसीलिए लेस्टर कह रहा है कि तुम लोग बस वहां पर पहुंचो, वो पूरी फोर्स लेकर वहां पर पहुंच रहा है। जैसे सिचुएशन खराब होती है हम लोग मिलिट्री वालों से भिड़ने वाले हैं ताकि हम लोग वो सारा पैसा लेकर वहां से निकल पाए। बट मेरे हिसाब से ना लेस्टर का बहुत गलत डिसीजन है, बट अभी हम लोग और कुछ कर भी नहीं सकते। अगर बंकर नहीं खोलने जाएंगे ना उसके पास तो वो बंकर तोड़ के अंदर घुसेगा और उसके बाद हमारा सिटी में रुकना इम्पॉसिबल है, हमें यहां से निकलना ही पड़ेगा। पूरी मिलिट्री अपने ऊपर चार्ज हो जाएगी भाई पहले की तरह, और ये पहले वाली मिलिट्री नहीं है भाई, ये उससे ज्यादा डेंजरस है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम इन्होंने हमें कैसे फंसाया था, हम लोग कार्स की डिलीवरी लेने गए थे और इन स्वैट ने चारों तरफ से हमें आके घेर लिया था, ऊपर से टेररिस्ट भी हम पे अटैक कर रहे थे। तो वो रहा ऊपर फ्रैंकलिन का घर, बट गाड़ी घुमा के ले जानी पड़ेगी पूरी। तो चलो गाइस अभी फिलहाल बस मुझे आगे वाले घर से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ कर यू टर्न मारना है और हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा फ्रैंकलिन के घर पर। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी से आ रही है, देखो कितना ज्यादा बढ़िया यू टर्न लगता है। और इस टाइम पर भाई बिल्कुल भी मौज मस्ती नहीं करनी क्योंकि हम लोग एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में है
और फाइनली हम लोग पहुंच गए फ्रैंकलिन के घर पर। अच्छी बात तो यह कि ये घर पर है, इसकी गाड़ी भी बाहर खड़ी हुई है। फटाफट से भाई अभी मुझे अंदर चलना होगा। मैंने ये वाली ड्रेस इसलिए पहनी थी क्योंकि हमें एक और जगह पर जाना था, उस जगह के प्रूफ मिटाने के लिए, उस जगह को जला के। बट अभी एक जगह पर तो हमने जला दिया। फिलहाल फ्रैंकलिन मेरे को यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, शायद नीचे वाले फ्लोर पर होगा। जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं। बट अभी दूसरी जगह जाने का फायदा नहीं है वहां के प्रूफ मिटाने के लिए, क्योंकि मिलिट्री कैनल एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां पर सबसे पहले पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल मुझे फ्रैंकलिन कहां पर वो लो भाई सब बाहर बैठकर ये क्या कर रहा है भाई, मैं उसको फोन मिला रहा हूं, फोन भी नहीं उठा रहा। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी जल्दी से बताते हैं सीन। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है और मैंने इसको वो पूरा का पूरा सीन बता दिया है कि लास्ट टाइम जो हमने लोम बैंक से चोरी करी थी उसके बारे में नए वाले मिलिट्री कर्नल को पता चल चुका है। और ये बात सुनने के बाद फ्रैंकलिन की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई उस मिलिट्री कर्नल के पास बहुत तगड़ी फोर्स है, टेररिस्ट से भी उसकी बातचीत है, और सबसे तीसरी चीज बिग माफिया का भाई भी समझ लो उसी का दोस्त है एक टाइप से, क्योंकि यार उसने उसको छोड़ा है तो सीधी सी बात है दोस्त होगा या फिर कुछ ना कुछ तो भाई रिलेशन है दोनों के बीच। फिलहाल अभी हमें यहां से निकलना ही पड़ेगा उस बंकर के लिए। भाई फ्रैंकलिन को तो इस टाइम पर जाने में भी डर लग रहा है, बट अपने पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वहां पर जाना पड़ेगा। अब देखते हैं भाई क्या ही हमारे साथ होने वाला है। बट मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार उसको पता कैसे चला उस बंकर के बारे में, मतलब कि उसके बारे में तो हमें खुद नहीं बताया था लेस्टर ने कभी, लेस्टर को ही पता था। हम लोग सोच रहे थे यार लेस्टर बहुत तेज है, उसने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली और हमें पता चल चुका है कि वो आने वाला है भाई सारे प्रूफ्स ढूंढने के लिए, हम लोग प्रूफ्स मिटा देते हैं। बट यार वो तो ऐसी जगह पर पहुंचा है जहां पर सबसे खतरनाक प्रूफ पड़ा हुआ है यार। तो यार देखो लेस्टर ने ना हमें अपना वॉकी डॉकी दिया है और उसने हमें बोला है कि अब हमें एक दूसरे से इसी के थ्रू कॉन्टेक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है वो जो मिलिट्री कर्नल है ना उसने हमारे सारे डिवाइस हैक कर रखे हो और वो बैठ कर हमारी कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा हो। तो हमें उनके जाल में नहीं फंसना है, हम लोग ऑलरेडी उनके ट्रैप में काफी ज्यादा फंस चुके हैं और इस तरीके से फंसते जाएंगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा हमें वो अरेस्ट कर लेगा या फिर हमारा एनकाउंटर ही कर डालेगा। इसलिए हम लोग वॉकी डॉकी से एक दूसरे से बात करेंगे ताकि वो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग सुन ना पाए ना ही उन्हें ट्रैक कर पाए। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग पहुंचते हैं उस बंकर पे जहां पर वो पूरी फोर्स लेकर हमारा वेट कर रहा है। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेना है और फाइनली हम लोग उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर मिलिट्री कर्नल आया हुआ है, मींस जहां पर लेस्टर का सीक्रेट बंकर है। फिलहाल अपनी गाड़ी को हम लोग यहां से नीचे लेकर चलते हैं। एक बढ़िया एसयूवी है तो मैं इसे चाहूं तो डायरेक्ट भी नीचे उतार सकता हूं, बढ़िया रिस्क नहीं लेना। वैसे यहां पर काफी ज्यादा बढ़िया जगह है, गाड़ी नीचे जाएगी तो कम ही चांस है एक्सीडेंट होने के। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को गाइस यहीं से लेकर चलते हैं और यही एक रास्ता है उस बंकर तक जाने का जो कि मुझे लेस्टर ने बताया। फिलहाल फटाफट से अपनी गाड़ी को सीधा भगाते हैं, आगे वाले गट से मुझे राइट लेना है। एंड मुझे पता नहीं क्यों यार हेलीकॉप्टर्स का साउंड आ रहा है, शायद से वो मिलिट्री कर्नल अपने साथ ढेर सारे हेलीकॉप्टर के साथ सिक्योरिटी भी लेकर आया। वो देखो भाई तीन तीन चार चार हेलीकॉप्टर सामने की तरफ में है। धीरे धीरे गाइस अपनी गाड़ी को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। हेलीकॉप्टर के साथ साथ भाई यहाँ पर पूरी मिलिट्री आई हुई है जिसकी मेरे को पूरी उम्मीद थी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता भाई ये बिना सिक्योरिटी के यहाँ पर आ जाए वो भी हमसे मिलने। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। इस टाइम पर हमें बहुत ज्यादा खतरा है बट दिक्कत की बात कोई नहीं है, वेपन्स अपने पास भी है और साथ ही लेस्टर भी सिक्योरिटी का जुगाड़ कर रहा है। सबसे पहले भाई मुझे जाना है सीधा उस मिलिट्री कर्नल के पास उससे मिलने के लिए। इन सभी ने अपने ऊपर एम कर रखा बट ऐसे डायरेक्टली ये लोग हमें मार नहीं सकते क्योंकि इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि हमने कोई चोरी वोरी करी है, इसलिए बस यहाँ पर कंफर्म करने आया, बस इसे पैसा अंदर मिलना चाहिए। ओ एक सेकंड भाई, कैसा सा पत्थर है यहाँ पर, फटाफट से चलते हैं भाई। ये है न्यू मिलिट्री कर्नल एंड इसके साथ है ये सारी सिक्योरिटी। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल इस मिलिट्री कर्नल से बात हो गई है और गाइस ये कह रहा है कि मेरा ज्यादा टाइम मत खराब करो और फटाफट से इस बंकर को खोल के दिखाओ कि आखिरकार इसके अंदर तुमने क्या छुपा के रखा हुआ है। तो मैंने इसको बोल दिया भाई मैं तो बस लेस्टर के लिए काम करता हूँ सामान इधर उधर शिफ्ट करने का और इस बंकर के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ओके गाइस, जो कोड मुझे लेस्टर ने दिया था फटाफट से हम लोग उस कोड को यहाँ पर डालकर इस बंकर को अनलॉक कर देते हैं ताकि ये मिलिट्री कर्नल इसके अंदर जा पाए। फिलहाल अभी मैंने कोड तो पूरा डाल दिया है, जल्दी से हम लोग चल लेते हैं वापस इसको बताने के लिए कि बंकर अनलॉक हो चुका है। इतने सारे भाई रोट व्हीलर्स लेकर आया भाई अंदर चेक करवाने के लिए। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने मिलिट्री कर्नल को बोल दिया है कि ये जो बंकर का गेट है मैंने खोल दिया, आप लोग अंदर जाकर देख सकते हो। फिलहाल इन लोगों ने ना अपने रोट व्हीलर अंदर भेज दिए हैं और अभी ना गाइस मुझे सच्ची में बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि रोट व्हीलर के साथ साथ यहाँ पर ये स्वैट सोल्जर्स भी अंदर गए हैं और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है भाई ये स्वैट सोल्जर उस गोल्ड को ढूंढ निकाले। फिलहाल मैं भी अंदर जा सकता हूँ ना, कोई दिक्कत की तो बात नहीं है ना, चलते हैं भाई अंदर।
और देखते हैं भाई अभी क्या सीन है। मेरे को सच्ची में भाई बहुत गलत फीलिंग आ रही है कि वो जो डॉग्स है भाई वो लोग सूंघ के पता कर सकते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल ये लोग तो अपना अंदर जा चुके हैं, फटाफट से हम लोग भी अंदर चलते हैं और देखते हैं आखिरकार क्या सीन है। वैसे गाइस एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जो न्यू मिलिट्री कर्नल है ना बहुत ज्यादा समझदार है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा भाई वो खुद अंदर नहीं आया, उसने स्वैट सोल्जर्स को डॉग्स को अंदर चेक करने के लिए भेजा है। वैसे अगर वो अंदर आ जाता ना तो हम लोग उसको यहीं पर लपेट सकते थे, और अगर मिलिट्री कर्नल हमारे हाथ में आ जाता तो सीधी सी बात है उसकी पूरी फोर्स हमारे हाथ में आ जाती, बट ऐसा भाई इम्पॉसिबल है। उसके अंदर बहुत दिमाग है, उसने फ्रैंकलिन को बाहर ही रोक रखा है और पूरी फोर्स अंदर भेज दी ताकि हम लोग यहाँ पर इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए। फिलहाल ये पूरे का पूरा बेस चेक कर रखे हैं। वैसे लेस्टर ने काफी ज्यादा तगड़ा बनवा रखा है भाई ये बंकर अंदर से, तो मतलब रहने लायक जगह है, बेड वगैरह सब डले हुए हैं हमारे हिसाब से। ये मतलब इन फ्यूचर यूज करने के लिए था, बट अभी पहले ही पुलिस वालों को पता चल गया और ये डॉग मेरे को काट ही लेगा भाई, मैं यहां से जा रहा हूं। मुझे एक सेकेंड, वैसे एक चीज मेरे को समझ नहीं आई, आखिरकार पैसा है कहां पर अगर यहां नहीं है तो? मैं तो डर के मारे अंदर घुसा हूं कि भाई बस गड़बड़ होने वाली है, क्या करूं क्या करूं, बट यहां पर तो ना ही गोल्ड है ना ही कैश है भाई, कुछ नहीं समझ आ रहा आखिरकार पैसा लेस्टर ने रखा कहां पर है। ये बेचारे डॉग्स भी सारे इधर उधर ढूंढने में लगे हुए हैं भाई, मुझे नहीं पता यहाँ कोई पैसा नहीं है। मैं यहां से निकल लेता हूँ, पता लगा ये स्वैट सोल्जर मेरे ऊपर ही भड़क जाए कि भाई जल्दी से बताओ वरना हम तुम्हें यहीं पर मार डालेंगे। भाई सच्ची में नहीं पता भाई अभी आखिरकार पैसा है कहां पर। लेस्टर ने मुझे बोला था उस बंकर के अंदर है, तुम जाकर बस सिचुएशन हैंडल करो। तो गाइस अभी ना फिलहाल मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार यहां पर चल क्या रहा है। लेस्टर हमें पागल बना रहा है क्या, मतलब ये मिलिट्री कर्नल से पकड़वाना चाहता है क्या बेमतलब में। फिलहाल एक स्वैट सोल्जर यहां पर भगता हुआ है, शायद से बाहर उसको बताने के लिए जा रहा है कि अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से हम लोग भी भाई यहां से बाहर निकलते हैं और उसको चलकर बता देते कि हाँ भाई सच्ची में हमारे पास कोई गोल्ड वोल्ड नहीं है, वो चोरी किसी और ने करी थी, क्योंकि ये भी 100% श्योर नहीं है। सीधी सी बात है भाई, वहां के सारे सीसीटीवी लेसन ने हैक करके साइड कर देते, तो किसी में कहीं पर भी हमारी फुटेज नहीं आई है। तो ओके गाइस, फाइनली इस मिलिट्री कर्नल ने हम लोग को यहां से जाने का परमिशन दे दिया है, बट यार ये कह रहा है कि तुम लोग को कभी भी कॉल करके बुलाया जा सकता है, इसलिए फटाफट से पहुंच जाना जहां पर भी बुलाएंगे। और साथ ही हम लोग इस सैन एंड्रियास शहर को भी छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, मींस लिबर्टी फ्रेंच रिवेरा कहीं पर भी नहीं जा सकते भाई हम लोग इस शहर को छोड़ गए। बट कोई नहीं, फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि भाई ये मिलिट्री कर्नल हमें छोड़ने वाला है, ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, इसका भाई मुंह तोड़ जवाब इसको देना पड़ेगा। बट ये सही टाइम नहीं है क्योंकि इसके साथ टेररिस्ट भी है जो कि अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। फिलहाल अभी मैं गाड़ी में तो आकर बैठ चुका हूँ, अरे फ्रैंकलिन कहाँ पर रह गया भाई जल्दी आ। वैसे यार इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि सीधी सी बात है भाई अंदर हमें कुछ मिला ही नहीं, मतलब कि उन लोग को कुछ मिला ही नहीं और हमें भी कुछ नहीं मिला। गोल्ड डायमंड ये सारा कहाँ पर है भाई, लेस्टर क्या ही कहना चाह रहा है भाई, मतलब उसने कहा था सब कुछ वहीं पर पड़ा हुआ, तुम जाकर सिचुएशन हैंडल करो, वो पूरी फोर्स भिजवा रहे हैं इनसे भिड़ने के लिए, बट ऐसी तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं क्योंकि उन्हें कुछ मिला ही नहीं, और उसके अंदर कुछ होगा तो मिलेगा ना भाई, पता नहीं यार ये लेस्टर ने पूरा कंफ्यूज कर दिया है। फटाफट से उसके घर पर चलते हैं। वैसे एक टाइप से देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात है भाई कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला, बट एक दुख की भी बात है कि आखिरकार फिर सारा सामान है कहां पर। चलो कोई नहीं, फिलहाल कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कोई और ही चुरा कर ले गया उस बंकर से, बट ऐसा हो नहीं सकता भाई, उस बंकर को मिलिट्री वाले नहीं खोल पाए तो वो बंदा ही क्या खोलेगा जो चुरा कर ले जाएगा, मींस हैकर हो सकता तो चुरा लेगा, बाकी बहुत मुश्किल ही होगा उस बंकर को खोलना। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा लेस्टर के घर पर, और इस टाइम मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि आखिरकार लेस्टर ने सारा गोल्ड कैश और डायमंड किधर छुपाया, क्योंकि अगर वो उस मिलिट्री कर्नल के हाथ लग जाता ना तो आज हम लोग यहाँ पर शायद ही जिंदा वापिस आ पाते। भाई 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 आराम से चला लो यार, वैसे इतनी ज्यादा मौज में मैं ठोक वोक डालूंगा एक हाथ को, फटाफट से चलते हैं और देखते हैं आखिरकार गोल्ड कैश और डायमंड है कहाँ पर। अभी लेस्टर ही है जिसको उस चीज के बारे में पता, बट यार जो भी हो सब कुछ एकदम बढ़िया से हो गया, हम लोग बच कर सेफली यहाँ पर आ चुके हैं, बट मैं ये नहीं कह सकता कि हम लोग अभी सेफ रह सकते हैं क्योंकि वो और भी हर जगह पर ढूंढना स्टार्ट करेगा। फिलहाल ये खड़ी लेस्टर की न्यू BMW, पता नहीं है कहां कहां से चोरी कर करके ले आता है। फिलहाल चलते हैं सीधा अंदर। तो ओके गाइस, अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं सीधा लेस्टर के घर में, और इस टाइम पर ना लेस्टर काफी ज्यादा सीरियसली यहाँ पर बैठा हुआ है भाई। I never thought I'd see you clowns. भाई इसको लग रहा था कि हम लोग वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे, बट हम लोगों ने मिलिट्री कर्नल को उसकी पूरी सिक्योरिटी को भाई नूज आ रखी थी वहां पर, मेन स्वैट आ रही थी, उन सबको हमने पागल बना डाला। ओके गाइस, अभी फिलहाल लेस्टर ने भाई पार्टी करने के लिए बोल दिया है और यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स बनाने चला गया भाई फ्रैंकलिन। ओके भाई फुल एकदम पार्टी चल रही है तीनों लोग की, और क्या पिला दिया भाई फ्रैंकलिन को। तो ओके गाइस, अभी ना हम तीनों लोग ने छोटी सी पार्टी कर लिया,
है और लेस्टर कह रहा है कि वो जो सारा कैश गोल्ड और डायमंड जो हमने उस बैंक से चुराया था ना वो सारा का सारा उसी बंकर के अंदर रखा हुआ है। फिलहाल ये कह रहा है फटाफट से ना तुम बाहर चल के गाड़ी निकालो, ये अभी हमें दोबारा से उस बंकर पे लेकर चल रहा है दिखाने के लिए किसने कहां पर उन सब चीजों को छुपा के रखा हुआ था। फिलहाल इसकी BMW कहां चलेगी इसी से हम लोग जाने वाले हैं। अपनी मस्त गाड़ी वहां पर भी खड़ी हुई है जो कि फ्रैंकलिन की है बट नहीं आ रही, ये कार के अलग मजे है। जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं और 2 मिनट रुक जा मैं गाड़ी आगे कर लूं। सॉरी भाई फ्रैंकलिन उधर वाली सीट पर चला गया था। लेट्स गो गाइस, अभी फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर निकलते हैं वापस उस बंकर के लिए और देखते हैं भाई कहां था सारा पैसा। मतलब हम लोगों ने तो पूरा बंकर देख लिया था, पता नहीं यार इसने वहां पर कोई टनल वनल तो नहीं खोद रखी इसने बेसमेंट में। तो गाइस देखो, पहले मुझे लग रहा था कि लेस्टर बहुत तेज है क्योंकि भाई इसने पहले ही मिलिट्री कर्नल की कॉल हैक करके ये पता कर लिया था कि वो लोगों ने इस टाइम पर प्रूफ्स इकट्ठा करने स्टार्ट कर दिए हैं वो जो हमने चोरी करी थी उसके। बट उसके बाद ये पता चला कि भाई ये जो मिलिट्री कर्नल है ना वो उससे डबल तेज है क्योंकि भाई वो सीधा उस जगह पर पहुंचा जहां पर हमने सबसे खतरनाक प्रूफ्स छोड़ रखे थे। मतलब सीधा उस बंकर पे पहुंचा जिसके बारे में हमें खुद तक नहीं मालूम था और वहीं पर सारा पैसा था। अगर वो उसे मिल जाता तो गड़बड़ जाती, बट उसके बाद ये पता चला कि भैया लेस्टर उससे ट्रिपल तेज है क्योंकि उसने उस बंकर के अंदर तो पैसा छुपाया था बट बंकर के अंदर भी उसने कोई सीक्रेट जगह बना रखी है जहां पर उसने पैसा छुपाया था। मतलब यार आप लोग खुद सोचो, वो पैसा वो डॉग्स तक नहीं ढूंढ पाए सूंघ के क्योंकि डॉग्स को पता चल जाता है कि कौन कहां से आता जाता है। पता नहीं यार क्या ही सीन है भाई, कहां पर लेस्टर ने छुपाया, कह रहा वहीं पर चल के बताएगा। फिलहाल मिलिट्री तो यहां से जा चुकी है ना। ओके यहां पर मुझे कोई हेलीकॉप्टर नहीं दिख रहा, वैसे भी पूरे 3 घंटे बीत चुके हैं, वो लोग भी यहां पर रुक के क्या ही करते। फटाफट से गाइस हम लोग अपनी गाड़ी को ना यहां से नीचे उतारते हैं और यार मैं बातों के चक्कर में ना थोड़ा सा उल्टा लेकर आ गया हूं, मुझे पीछे वाले फ्लाईओवर से पहले ही ना नीचे उतार लेनी थी अपनी गाड़ी बट मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिलहाल यहां से मुझे रिवर पार करनी पड़ेगी। तो पीछे किसकी गाड़ी खड़ी हुई है, बोट वोट भी है क्या आसपास? बोट होती तो काम हो जाता बट कोई नहीं, अभी फिलहाल के लिए हम लोग अपनी BMW को यहीं पर पार्क करते हैं। मैं पानी के अंदर से तो ले जाऊं बट मुझे कोई आइडिया नहीं है ये पानी कितना गहरा है, वैसे बहुत ज्यादा गहरा होगा क्योंकि आगे से पूरा समुद्र कनेक्ट है भाई इस रिवर से। फटाफट यहां से, ओ भाई वहां से पूरा एकदम वाटरफॉल आ रहा है, यहां से जंप मारते हैं ताकि हमें चोट वोट भी ना लगे। फटाफट लेट्स गो भाई सीधा वाटरफॉल के नीचे थोड़ा बहुत नहा वहा भी लेते हैं, पत्थर ऐसे लगे हुए कि नहा भी नहीं पाएंगे। फटाफट से गाइस अभी हमें चलना पड़ेगा सीधा सामने बंकर में। चलो गाइस, वैसे बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ अंदर लेकर नहीं आए वरना जो पानी है ना आप लोग देख ही पा रहे हो भाई कितना ज्यादा गहरा है, पूरी गाड़ी यहीं पर डूब जाती। फिलहाल फटाफट से हम लोग इस रिवर को पार कर आ चुके हैं सीधा इस बंकर में और ये दोनों भी अपना भगते हुए आ रहा है। जल्दी करो यार स्विम, इतनी स्लो स्विम कर रहे हैं मैं क्या बताऊं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल लेस्टर ने हमें अपने साथ पीछे पीछे अंदर चलने के लिए बोल दिया है। फिलहाल ये वाला जो बंकर का गेट है ना हमने इसे ओपन तो करा था बट उसके बाद इसे बंद नहीं करा था क्योंकि यार वहां पर मिलिट्री थी और वैसे भी हम लोग इस गेट को बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने हमें इसे बंद करने के लिए बोला नहीं था। अगर हम लोग इसे बंद कर देते ना उसी टाइम तो सीधी सी बात है वो हमें पकड़ कर ले जाते, उन्हें शक हो जाता कि इसके अंदर कुछ ना कुछ सीक्रेट रखा हुआ है। फिलहाल अभी जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं कि आखिरकार किधर लेस्टर ने वो डायमंड कैश और गोल्ड छुपा के रखा हुआ है और ये बंकर इसने कब में लिया भाई, मुझे कसम से कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल भाई साहब ये गेट था, उन लोगों ने भाई यहां पर इतना ढूंढने की कोशिश करी, डॉक्स वॉक्स भी यहां पर लगे हुए थे, कभी फ्रिज में कभी सिंक में कभी किस दीवार में, बट भाई कोई विश्वास भी नहीं कर सकता कि यहां पर कोई गेट है। यार ये देखो मतलब यहां पर है भाई मेन बंकर। फिलहाल लेस्टर ने अपना फोन निकाल दिया है और यहां पर भाई ये देखो सारा का सारा गोल्ड और कैश रखा हुआ है, डायमंड्स का जो ब्रीफ केस है वो इसने भाई पता नहीं कहां पर छुपा रखा है, बड़े यार जो भी हो इधर वेपन्स बनाने का भी पूरा सेटअप हो रखा है भाई साहब। वैसे मानना पड़ेगा लेस्टर को 10 कदम आगे की सोच के चलता है बंदा और 1 सेकंड भैंस की टांग यहां पर ये स्वैट सोल्जर कहां से टपक गए और उसने लेस्टर के भी गोलियां बजा दी। 1 मिनट यार मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां पर और भी काफी सारे बंदे बैठे हुए हैं। भाई यार ये मिलिट्री कर्नल बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई साहब, इसने पहले ही अपने स्वैट सोल्जर्स को अंदर बैठने के लिए बोल रखा था ताकि हम लोग जैसे यहाँ पर दोबारा आए ये लोग हमें मार डाले। फिलहाल सामने की तरफ में एक स्वैट सोल्जर और है, इसको भी मैंने ढेर कर दिया, उठ वापस से। और भाई इन्होंने ये फ्रैंकलिन की क्या हालत कर दी, पैश के पीछे से एक बंदा और खड़ा हुआ यहाँ पर बेसबॉल बैट लेकर, पर पहले मुझे इसको मारना पड़ेगा क्योंकि इसके पास शॉटगन है और अभी मैं इसको ढेर करता हूँ, बेसबॉल बैट मारेगा मेरे पीछे से। भाई आप लोग देख ही सकते इसकी भैंस की, इसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास स्नाइपर है ना, इसका मत्था ही खोलना पड़ेगा अभी स्नाइपर से, पूरे खतरनाक आर्मर वालों में पहन के बैठे हुए हैं। चलो कोई नहीं, फिलहाल मैंने इसको डाउन कर दिया बट मुझे ये नहीं समझ, पता भी नहीं चला भाई हम लोग जस्ट अंदर घुसे, इन्होंने चुपचाप से फ्रैंकलिन को लपेट दिया है। बट यार फ्रैंकलिन की मेरे हिसाब से ज्यादा चोट नहीं लगी, उसके चाकू मारा इन्होंने हाथ पे। बट अभी फटाफट से गाइस हमें यहां से लेकर निकलना पड़ेगा, लेस्टर को बताता हूं यहां पर भाई इन्होंने अपने बंदे छुपा रखे थे, एक बार मैं अंदर चलकर देख लेता हूं। भाई ये मिलिट्री कर्नल कसम से बहुत ज्यादा ही गजब है,
इसको पता था यहाँ पर कोई ना कोई सीन होगा, वेला गेट खोल लेता हूँ, अंदर और कोई तो नहीं है ना भाई। चलो फिलहाल अभी यहाँ पर सारा मामला ओके है, फटाफट गाइस अभी हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, बहुत गड़बड़ हो गई है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि तुम फटाफट से फ्रैंकलिन को लेकर यहाँ से निकलो सीधा लॉस सैंटोस के लिए, वो इसके घर पर डॉक्टर्स को भिजवा रहा है ताकि इसका जो ट्रीटमेंट है जल्दी से जल्दी हो पाए, वरना इसकी हालत जो है ज्यादा सीरियस हो जाएगी। बाकी लेस्टर भी यहाँ से सारा गोल्ड डायमंड कैश लेकर निकलने वाला है क्योंकि भाई यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने फ्रैंकलिन को उठा लिया है, अच्छी बात तो ये है कि भाई इसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत जान बची है। तो यार देखो मुझे ना कसम से मालूम नहीं था कि कुछ ऐसा सीन हो जाएगा, वरना यार हम लोग ना यहाँ पर बाद में आते यार, मतलब कि मिलिट्री वालों को हमारे ऊपर पूरा शक है कि वो जो चोरी है हमने ही करी है, और बस वो लोग प्रूफ इकट्ठे करने के लिए लगे हुए थे, और हम लोग यहाँ पर अब कोई भी प्रूफ छोड़कर नहीं जाएंगे, ये सारा काम अब लेस्टर करेगा। मीन्स जिन स्वैट सोल्जर्स को हमने मारा है ना भाई, उनकी बॉडी वोडी भी छुपानी पड़ेगी, ब्लड वगैरह सारे निशान मिटाने पड़ेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ भाई ये वाला जो बंकर है ना इसको भी पूरा जला देना चाहिए। फिलहाल फ्रैंकलिन की हालत भाई सच्ची में बहुत ज्यादा खराब हो गई है क्योंकि नाइफ पड़ा है इसके गाल पे, वो भी दोनों साइड, तो कसम से बहुत ज्यादा ब्लड इसके आ रहा होगा। फिलहाल वो गाड़ी अपनी गाड़ी इसको मैं यहीं छोड़ता हूँ और गाड़ी लेकर आता हूँ जल्दी से। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन को मैंने यहीं पर छोड़ दिया है, और फटाफट से गाइस मुझे ना सामने जाकर अपनी गाड़ी लेकर आना होगा, और यहां तक गाड़ी लाने के लिए ना भाई मुझे उसे पूरे फ्लाईओवर से घुमाना पड़ेगा। या फिर एक रास्ता हो रहा है मैं वहां से भी ला सकता हूँ जल्दी के लिए, फटाफट से पहले लाते हैं फिर देखते हैं अभी हमें आगे क्या करना चाहिए। वैसे तो भाई अभी लेस्टर इसके घर पर डॉक्टर भिजवा रहा है, हमें इसके घर पर छोड़ना है, बाकी हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन बस इसी चीज की है, अगर उस मिलिट्री कर्नल को ये पता चल गया ना कि यहाँ पर स्वैट सोल्जर मारे जा चुके हैं, तो सीधी सी बात है उसे हमारे ऊपर पूरा शक हो जाएगा कि हमने ही मारा है। और अगर उनमें से कोई भी स्वैट सोल्जर जिंदा हो जाता है ना, तो उन्हें वो सीक्रेट रूम के बारे में भी मालूम पड़ जाएगा। फिलहाल अपनी गाड़ी को मैं पीछे से घुमा के लाता हूँ जल्दी से। वैसे यार नहीं, अगर वहां से जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा ही लॉन्ग कट पड़ जाएगा, हमें अपनी गाड़ी यार यहीं से लेकर चलनी चाहिए क्योंकि इस टाइम पर फ्रैंकलिन की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गाड़ी नहीं। गाड़ी में थोड़े बहुत डेंट आ भी जाएंगे ना तो चलेगा, बट अगर गाड़ी फंस गई ना पानी में तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल यहाँ से तो रिवर पार नहीं होगी, आगे वहां पर थोड़ा सा कम डीप वाटर होगा मेरे हिसाब से, आगे लेकर चलते हैं गाड़ी, वहीं से रिवर पार करवाएंगे। वैसे गाड़ी यार कसम से काफी ज्यादा बढ़िया है, वरना और कोई कार हो सेडान तो इतने में तो भाई बहुत ज्यादा प्यार से फंस जाए और भाई कहीं भिड़भिड़ा के टूट ही जाए। फिलहाल यहाँ से अपनी गाड़ी हम लोग ने जल्दी से पार कराते हैं, प्लीज हो जाए, पूरी गाड़ी डूब गई है, बट सही है कि ज्यादा नीचे तक नहीं गई। भाई अभी ना मैंने बहुत कोशिश कर लिया बट ये जो गाड़ी है ना भाई बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। चलो कोई नहीं, फिलहाल थोड़ी बहुत रेस और देते हैं। ओ गाइस लेट्स गो, फाइनली अपनी जो गाड़ी है भाई पानी से बाहर आ चुकी है, अब फटाफट से लेकर चलते हैं सीधा फ्रैंकलिन के पास में, मुझे लग नहीं रहा था अभी ये बाहर आ पाएगी। ओले भाई भाई भाई, तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से नीचे लेकर चलते हैं, वो रहा सामने की तरफ में फ्रैंकलिन। अपनी गाड़ी को गाइस मैं यहीं रोकता हूँ, फटाफट से इसको उठा कर ना गाइस हम लोग गाड़ी के अंदर डालते हैं जल्दी से। तो यार देखो अभी ना फिलहाल गाड़ी का पीछे वाला गेट तो मैंने ओपन कर दिया है, फटाफट से ना फ्रैंकलिन को भी उठा के लेकर चलते हैं सीधा गाड़ी के अंदर रखने के लिए। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने फ्रैंकलिन को गाड़ी के अंदर बैठा दिया है, जल्दी से हम लोग इसका गेट बंद करते हैं और फटाफट से गाड़ी लेकर निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस पे इसके घर के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से डॉक्टर वहां पर पहुंचने वाला होगा, लेस्टर ने फोन उसे कर दिया होगा। अब फटाफट से गाइस हमें फ्रैंकलिन को भी वहां पर पहुंचाना है ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। फिलहाल के रास्ते इतने ज्यादा अजीब है ना, सामने कोई भी पेड़ आकर भिड़ गया तो गाड़ी आगे से चकनाचूर हो जाएगी। फिलहाल हम लोग इजीली वहां से बाहर आ चुके हैं, अभी ये बीच हमें पार करना है और उसके बाद अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेना है हमें सीधा हाईवे से, जहां से हमें पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अगर फ्रैंकलिन की हालत थोड़ी भी ठीक होती ना, मैं सीधा बाइक पकड़कर यहां से जाता, उससे तो भाई कसम से आधा घंटा लगता भाई पहुंचने में, बट कोई नहीं यार अभी कार से चलते हैं भगाते हुए। गाइस वैसे एक बार आप लोग इस गाड़ी की स्पीड देखो, मतलब यार 200 किलोमीटर पर आ 200 भी नहीं है 250 से 300 किलोमीटर पर आ पहुंचने वाला है भाई, मतलब लैम्बोर्गिनी है ये गाड़ी, पूरी नॉर्मल सी सेडान लग रही थी और भाग रही है सुपर कार की तरह। और एक सेकंड सॉरी 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 भाई, बहुत गंदी तरह ठकी है तेज भगाने के चक्कर में, कसम से यार सुपर कार नहीं है। फिलहाल फ्रैंकलिन की तो हालत ठीक है ना भाई, ये बिल्कुल ठीक है, चलो ज्यादा तेज नहीं ठुकी, अब फटाफट से निकलना पड़ेगा। गाड़ी वैसे ठुकी तो बहुत तेज है बट अंदर वाले कोई चोट नहीं आई। तो ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा फ्रैंकलिन के घर पर, और आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई मैं कितनी ज्यादा तेज इस गाड़ी को भगा रहा हूँ, और डॉक भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। फटाफट से गाइस हम लोग अपनी गाड़ी को ना साइड में खोल के लगाते हैं, एंड डॉक्टर भाई आओ गाड़ी से उतरवाओ यार फ्रैंकलिन को। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन को थोड़ा बहुत होश आ चुका है और ये कह रहा है कि गाइस ये ना गाड़ी से खुद ही उतर कर जाएगा अपने घर के लिए। मुझे तो यार बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसकी हालत अभी ज्यादा ठीक हुई है, क्योंकि यार बहुत ज्यादा इसका ब्लड बह चुका है और यार ये तो भी ना ढंग से चल भी नहीं पा रहा है।
फिलहाल डॉक्टर इसके साथ साथ जा रहा है, चलो कोई नहीं ये ठीक कर देगा जहां तक मुझे इससे उम्मीद है, क्योंकि लेस्टर को कोई भी दिक्कत होती है वो हमेशा इसी डॉक्टर को बुलाता है। फटाफट से गाइस हम भी लोग घर के अंदर चलते हैं। वैसे यार मुझे ना सुबह से भाई कॉल आया जा रहा है अंडरवाटर माफिया का, और मैं हर बारी काट रहा हूँ, पता नहीं क्या सीन है, एक बार इससे मिला के बात ही कर लेता हूँ कि भाई क्यों सुबह से परेशान कर रहा है। मतलब कि लास्ट टाइम आपको पता ही है उसकी वजह से क्या हरकत हुई थी, इसलिए मैंने उससे बात नहीं करी एक दो दिन से, बट अभी उसे कॉल में आके पूछते हैं क्या सीन है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल अंडरवाटर माफिया से बात हो चुकी है, और गाइस वो कह रहा है कि बिग माफिया का भाई लॉस सैंटोस रहने आ चुका है, वो भी एक बहुत बड़े मेंशन में और बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी के साथ। अब दिक्कत की बात ये नहीं है क्योंकि ऐसा तो आगे चलकर हो नहीं था, मैं 100% श्योर था, नए वाले मिलिट्री कर्नल ने आते ही उसको छुड़वा दिया था उस सबमरीन से। बट दिक्कत की बात ये है कि वो आज अभी के अभी हमें मिलने के लिए बुला रहा है, वो भी अपने घर पर। मुझे जाने में तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि उसके घर पर जाना शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर होगा भाई। इस टाइम पर हम ही ने उसको सबमरीन में डलवाया था मिलिट्री कर्नल के साथ मिलके, तो सीधी सी बात है भाई वो हमें नहीं छोड़ेगा, बाहर आ गया पक्का मारेगा। मैं सोच रहा हूँ एक बार भाई लेस्टर से बात कर लूं, बट अपने पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है, अंडर वाटर माफिया भी उसके घर पर ही है। वो कह रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम मिलने के लिए आ सकते हो, बट भाई ये हो सकता है इन दोनों की चाल हो, बट अंडर वाटर माफिया हमें कभी नहीं धोखा देगा। फिलहाल एक तो कुछ कर भी नहीं सकते भाई, वो लॉस सैंटोस में ही है, उसको हमारे घर के बारे में पता है। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी डॉक्टर तो फ्रैंकलिन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मुझे यार अभी जाना ही पड़ेगा। बट जाने से पहले ना मैं एक काम करता हूँ गाइस, फ्रैंकलिन का आर्मर वगैरह और कुछ कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ, ताकि बढ़िया सीन रहे, सिचुएशन खराब हो गई तब भी हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। ड्राइवर को भी कॉल कर देता हूँ हमारी सिक्योरिटी के लिए वहां पर पहुंच जाए, अंडरवाटर माफिया है ही तो मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, बट फिर भी यार रिस्क नहीं लेंगे, कपड़े बदलते हैं आर्मर वार्मर पहनकर ही वहां चलेंगे। एक तो यार ये फ्रैंकलिन का इतना बड़ा ड्रॉप है ना, मैं क्या बताऊं, और ऊपर से इसमें ढंग के कपड़े एक भी नहीं है। फिलहाल ये ब्लैक कलर की जैकेट मैंने पहन लिया है, और इसी के अंदर मैंने आर्मर भी पहन लिया ताकि हमें कोई ज्यादा दिक्कत भी ना आए। फटाफट से गाइस अभी हम लोग चलते हैं सीधा बिग माफिया के भाई के नए लॉस सैंटोस वाले घर पर। मैंने इस टाइम पर अंडरवाटर माफिया से भी बात कर लिया है, वो कह रहा है कि तुम आ जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसने मैं एड्रेस भी दे दिया है भाई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जिस बंदे को हमने भाई पूरा सबमरीन के अंदर पिछले 2 महीने तक कैद रखा, वो बंदा बाहर निकल के हमारे साथ नॉर्मल हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अभी फटाफट से चलकर देखते हैं, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मैं अपनी लंबोगनी टैरजो ले जाऊंगा भाई, कुछ पता नहीं है वहां से जिंदा वापस आएंगे भी या फिर नहीं, मतलब इस टाइम पर सच्ची में इतना ज्यादा रिस्क है। बट हाँ ड्राइवर भी वहां पर पहुंच रहा है, मैंने उसको बोल दिया है जब तक ड्राइवर नहीं आ जाएगा मैं उसके घर में नहीं घुसूंगा, और साथ ही अंडरवाटर माफिया भी है, पर उसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि वो हमारी सेफ्टी के लिए है या फिर कहीं ऐसा ना हो लास्ट टाइम जो मैंने उसे मारा था भाई वो उसका बदला आज ले दे। नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वो बढ़िया बंदा है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी लंबोगनी टायर्सो को फुल स्पीड में भगाता भगाता लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा बिग माफिया के भाई के न्यू लॉस सैंटोस वाले मेंशन पे। फिलहाल मैंने ट्रैवल ओके ही तो वो यहाँ पर पहुंच चुका है, मैं वही बोलने जा रहा था कि वो पहुंचा या फिर नहीं। चलो ओके ब्रो तू बस ध्यान रखियो, अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो अंदर आ जाइए मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा की तरह। फिलहाल अभी हम लोग जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं, और यही है क्या उसका घर? ओके अंडरवाटर माफिया ने तो वैसे यही वाला बोला था, यहाँ पर दो दो सिक्योरिटी गार्ड भी गेट पे खड़े हुए हैं। काफी टाइम पहले यहाँ पर कोई और अमीर बंदा रहा करता था, हमने उसकी बुगाटी भी चुराई थी। फिलहाल अभी बिग माफिया के भाई ने इस घर को खरीद लिया है, मैं काम करता हूँ अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन करके इन्हें दिखा देता हूँ। वैसे हेलो मुझे अंदर जाना है भाई, मिलने के लिए गेट तो खोलो कोई। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इन लोगों ने अंदर से परमिशन लेने के लिए हमें गाड़ी अंदर ले जाने के लिए अलाउ कर दिया है। फिलहाल गेट लेकिन किसी ने नहीं खोला, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग अपनी लंबोगनी टायर्सो को ऐसे अंदर ले आते हैं। अच्छी बात तो ये कि इस गाड़ी पर कोई भी स्क्रैच नहीं आया, और मैं एक चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि आखिरकार ये है तो बिग माफिया की सारी कार, बट मेरे को ये बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि जो गार्ड्स हैं ये किसके हैं। मतलब क्या बिग माफिया के भाई के पास जो गार्ड्स थे वो ऐसे नहीं दिखते थे। फिलहाल ये रहा अपना अंडरवाटर माफिया, इससे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। तो ओके गाइस अभी मेरी फिलहाल अंडरवाटर माफिया से बात हो चुकी है, और ये कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा हूँ, पहले आ जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता। इसको मालूम नहीं है कि भाई हमारी लाइफ जो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में चल रही है भाई। सुबह से हम लोग मिलिट्री कर्नल से उलझने में लगे हुए हैं, उसके बाद फ्रैंकलिन के चोट लग गई, फिलहाल हम लोग बिग माफिया के भाई के नए बड़े वाले मेंशन में आ चुके हैं। और भाई यार ये सच्ची में कितना ज्यादा बड़ा है, और हर एक गेट के बाहर उसने अपने नए वाले सिक्योरिटी गार्ड भी लगा रखे हैं। मुझे मालूम नहीं भाई इसने नए सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखे, मतलब यार जो पहले वाले थे वो भी काफी ज्यादा बढ़िया थे, और उनके पास गन्स भी काफी तगड़ी थी। वैसे यार इससे फर्क नहीं पड़ता, मेन निशाने से फर्क पड़ता है, इनके पास भी M416 है। फिलहाल कसम से भाई बहुत ज्यादा बड़ा मेंशन है, इसके अंदर अगर किसी रूम वूम के अंदर बंद कर दे बंदा तो वहां पर भटक ही जाए कि बाहर कहां से निकलना है। और वैसे एक ये वाला घर एक प्लेबॉय मेंशन, ये दोनों घर हैं लॉस सैंटोस के सबसे बड़े। फिलहाल अभी
अभी मुझे बिग माफिया से भाई से मिलने जाने से थोड़ा डर लग रहा है और इसने भी मुझे अंदर जाने के लिए बोल दिया है। तो चलो गाइस चलते हैं हम लोग फटाफट से बिग माफिया के भाई के रूम में। और यार सच्ची में मुझे इसे काफी ज्यादा दिनों बाद देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा है और भाई ये मुझे देखकर पूरे में क्लैप क्यों बजाकर दिखा रहा है सबको। ये पास आ चुका है तो कि गाइस अभी ना फिलहाल बिग माफिया के भाई ने पास आकर भाई अपने से गले मिल लिए हैं। मैं यार खाली पीली से इतना ज्यादा डर रहा था बट यार सच्ची में यहाँ पर तो मामला कुछ और ही है, ये काफी ज्यादा उदास है। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल ये कह रहा है कि हम लोग ना दूसरे रूम में चलते हैं आराम से बैठकर बात करने के लिए। और यार सच्ची में इतनी ज्यादा बुरी हालत में बिग माफिया के भाई को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। और ये कह रहा है कि यार सच्ची में तुम बहुत बहादुर हो, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा तुम अकेले मुझसे मिलने के लिए आ गए। वैसे हाँ यार बात तो सही है, मुझे डर लगना चाहिए था कि भाई ये मैं मार सकता है बट ऐसा कोई सीन नहीं है। वैसे अंडरवाटर माफिया ने हमें बोला था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिलहाल अभी ना भाई इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है पता नहीं किस चीज को लेकर, वैसे कौन सी सीरियस बात है मुझे भी पता करनी है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल बिग माफिया के भाई से बात हो चुकी है और यार सच्ची में हमारी लाइफ से ज्यादा प्रॉब्लम तो इसकी लाइफ में चल रही है। ये कह रहा है कि मुझे अच्छे से मालूम है तुमने मिलिट्री कर्नल के प्रेशर में आकर ही मुझे सबमरीन के अंदर बंद करवाया था तो उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और उस बात को लेकर ही हमसे नाराज भी नहीं है। बट आज ना गाइस मुझे असली सच्चाई पता चली है, मतलब कि यार अपनी जिंदगी में पिछले 3-4 महीने से जो भी चल रहा था ना ये सब कुछ डक्कन बॉस का प्लान था। मतलब यार बिग माफिया के भाई को भी अभी ही समझ आ रहा है जब ये उस सबमरीन के अंदर बंद था उस 2-3 महीने के अंदर ही उसने इसका सारा बिजनेस मीन्स 5-6 बिलियन डॉलर्स इसका सारा पैसा इसकी सिक्योरिटी इसकी नॉर्थ यंगटन वाली प्रॉपर्टी सब कुछ उसने अपने नाम कर लिया है। उसने सबसे पहले हमें मिलिट्री कर्नल से फंसवाया उसके बाद मिलिट्री कर्नल और हमें मिलवाकर बिग माफिया के भाई को फंसवा दिया अंदर। और भाई मतलब जो भी कुछ हुआ है सारा टक्कन बॉस का प्लान था। और इस टाइम पर गाइस इसके पास ज्यादा पैसा भी नहीं बचा है, यही एक प्रॉपर्टी इसके पास लास्ट बची थी। मतलब कि यार ये कह रहा है कि मैं सिर्फ तुम पर ही विश्वास कर सकता हूँ, एक तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो। मतलब यार बिग माफिया के भाई को हमारे ऊपर पूरा विश्वास है, ये बात काश हमें पहले पता होती तो हम लोग इसे सबमरीन में ही नहीं बंद करवाते। बट अभी यार अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये कह रहा है कि मुझे कुछ भी करके उस डगन बॉस को खत्म करवाना है वरना वो मुझे मार देगा। मतलब कि वो चाहता ना डगन बॉस तो इसे अगले दिन ही सबमरीन से बाहर निकलवा सकता था क्योंकि उसके पास बहुत तगड़े तगड़े हैकर्स हैं। मतलब वो सारी फोर्स बिग माफिया के भाई की थी बट डगन बॉस ने भी उसे अपना कर लिया है और जानबूझ के उसने उसको मीन्स बिग माफिया के भाई को सबमरीन से बाहर नहीं निकलवाया था क्योंकि ये बाहर आता तो सीधी सी बात है डगन बॉस को कोई प्रॉफिट नहीं होता। वैसे गाइस अच्छी बात तो ये है कि बिग माफिया के भाई की एकदम बढ़िया बातचीत थी नए वाले मिलिट्री कर्नल से। उसने आते ही सबसे पहले डगन बॉस के टेररिस्ट को मिलिट्री बेस से भगाया और बिग माफिया के भाई को सबमरीन से बाहर निकलवा के छोड़ दिया है। मुझे यार सच्ची में इसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, इसने मुझे एक काम दिया है जो कि गाइस मुझे कल ही कल में करना है। फिलहाल अभी इसने कहा कि तुम आज मेरे घर में ही रुक जाओ तो फटाफट यार मुझे भाई इस पे बहुत ज्यादा दया आ रही है इस टाइम पर तो मैं एक काम करता हूँ फटाफट से ना गाइस बेडरूम में जाकर सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे गाइस हमें सुबह सुबह निकलना है, फिलहाल अपने पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जब हम लोग निकलेंगे मैं तभी बताऊंगा किस काम के लिए जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ और लास्ट नाइट यार सच्ची में मैं कुछ ज्यादा ही देर के लिए सो गया था। एक बार ना पहले टाइम चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है। वैसे गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार बिग माफिया के भाई ने मुझे ऐसा कौन सा काम करने के लिए बोला है जिसको लेकर यार मैं इतना ज्यादा टेंशन में हूँ। फिलहाल सुबह के 4:30 बज चुके हैं, जल्दी से गाइस अभी मुझे निकलना पड़ेगा सीधा कायो पेरिको आइलैंड के लिए जहां पर हम लोगों ने कुछ टाइम पहले जाकर एक बंदे के बहुत बड़े मेंशन में से ढेर सारा गोल्ड चुराया था अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड के कहने पर। अब यार देखो कायो पेरिको अब मुझे दोबारा से इसलिए जाना है क्योंकि जो डगन बॉस है उसको अगर मालूम पड़ गया कि जो बिग सॉरी ब्रो भाई मैंने बहुत तेज गेट खोल दिया। तो गाइस अभी फटाफट से ना मैं सीधा जाने वाला हूँ, बिग माफिया के भाई का प्लेन उधर खड़ा हुआ है उसी को पकड़कर हम लोग जाएंगे सीधा कायो पेरिको के लिए। और हाँ मैं बता रहा था कि अगर डगन बॉस को ये बात मालूम पड़ जाए कि बिग माफिया का भाई सबमरीन से निकलकर आ चुका है और वो इस मेंशन में छुप के रह रहा है तो सीधी सी बात है डगन बॉस अपनी पूरी सिक्योरिटी लेकर आ जाएगा और यहीं के यहीं इसको मार के भाई निकल लेगा और ये कुछ कर भी नहीं पाएगा क्योंकि भाई उसकी फोर्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसके पास सारे टेररिस्ट हैं, बिग माफिया के भाई की सिक्योरिटी भी इस टाइम पर उसके पास है और तीसरी उसकी खुद की सिक्योरिटी उसके पास है और चौथा भाई उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है तो सीधी सी बात है भाई उससे बचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए गाइस बिग माफिया के भाई ने हमें जो चीज मंगवाई है कायो पेरिको से अगर वो चीज हम लोग ले आते हैं तो भाई बिग माफिया के भाई को मारना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और वो चीज है गाइस एक एयर डिफेंस जो कि दूसरी कंट्री से आया हुआ है कायो पेरिको में, ऐसा बिग माफिया के भाई को पता चला है और हमें वहां पर जाकर उसे चुराना है और चुरा के लाके इसके घर में लगा देना
एलियन है और गाइस अगर वो चीज हम लोगों ने इसके घर में लाके लगा दी ना तो सीधी सी बात है इसके घर के आसपास ना वो लोग आने की सोचेंगे भी नहीं क्योंकि वो एक ऐसी मशीन है ना टॉप हो चाहे हेलीकॉप्टर हो चाहे कुछ भी हो 2 सेकंड में उसको उड़ा डालेगी उसकी बुलेट स्पीड कुछ ऐसी है। फिलहाल अभी जल्दी से ना हम लोग इस प्लेन के अंदर बैठते हैं कि बिग माफिया के भाई का ही प्लेन है। मतलब यार खुद सोचो पहले उसके पास कितनी ज्यादा तगड़े तगड़े जेट हुआ करते थे और अब बेचारे एक ऐसा गरीबों सा प्लेन चलाना पड़ रहा है। फिलहाल ये प्लेन हम लोग इसका लेकर निकलने वाले हैं सीधा कायो पेरिको के लिए। लेट्स गो गाइस, अभी फिलहाल हम लोगों ने इस प्लेन को स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से टेक ऑफ मारते हैं। यार कैसा सा प्लेन है वो, एक सेकेंड छोटा सा है बट आप लोग एक बार इसकी स्पीड देखो भाई। मतलब मेरे को तो लग रहा था 100 किलोमीटर पर आवर भी नहीं जाएगा बट ये तो 200 टच कर चुका है भाई। लेट्स गो, पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और गाइस वैसे हाँ वहां पर अकेले जाने का डिसीजन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यार देखो वो जो काम है ना चुपचाप इजिली हो जाए तो ही ज्यादा बेटर है क्योंकि वहां पर जो बंदा रहता है जिसके यहाँ पर हम ऑलरेडी एक बारी चोरी कर चुके हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस है मेरे हिसाब से, तो उसने सिक्योरिटी भी वहां पर बढ़ा दी होगी। तो ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली हम लोग अपने प्लेन को लेकर पूरे के पूरे 4 घंटे बाद पहुंचने वाले हैं सीधा कायो पेरिको आइलैंड पर। और गाइस अभी ना मुझे इस प्लेन से उतरना पड़ेगा क्योंकि भाई यहाँ पर जो डिफेंस लगे हुए हैं ना बहुत ज्यादा डेंजरस है। और एक सेकंड भाई हेलो, मैं कसम से डर गया था क्योंकि बॉडी सीधी हो ही नहीं रही थी और बॉडी सीधी नहीं होती ना तो ये पैराशूट भी नहीं खुलता। फिलहाल अभी ना मुझे इस पैराशूट को लेकर चुपचाप ही आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं एक भी गलत जगह पर लैंड कर गया ना तो भाई मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ यहाँ पर जो बंदे रहते हैं ना भाई वो थोड़े से टेररिस्ट टाइप है, मतलब अलग ही किस्म के बंदे भाई, उन्हें वो देखते नहीं है सीधा ठोक देते हैं। और एक तो यार मौसम भी इतना ज्यादा अजीब हो रखा है ना, मैं क्या बताऊं। ओ भाई जो मैं नहीं चाहता था वही हुआ, काफी ज्यादा खराब लैंडिंग हुई है भाई अपनी। बट कोई नहीं, गन्स वगैरह अपने पास हैं। वो जो वेयरहाउस था ना गाइस जहां से हम लोग लास्ट टाइम बोट में अपनी नई वाली बुगाटी नहीं थी, हमने कैलिबर्न यहां से चुराई थी उस गाड़ी को लेकर, ये क्या है, तो उसी जगह पर हमें वो एयर डिफेंस मिलने वाला है क्योंकि वहां पर जितना भी इम्पोर्टेड सामान होता है ना जो शिप से आता है वो सारा वहीं पर रखा जाता है। और शायद से गाइस यहाँ पर भाई मेरे को भाई इस जगह से ना दूर ही रहते हैं भाई, पता चला कुछ गलत ही सीन हो जाए। फिलहाल अभी ना मेरे को धीरे धीरे आगे बढ़ना है, मुझे भाई कसम से इधर डर बहुत ज्यादा लग रहा है। वैसे ना अच्छी बात तो यह है कि सुबह का टाइम है, बिग माफिया के भाई ने मुझे ये बताया था कि ये लोग ना रात के टाइम पर पूरी सिक्योरिटी करते हैं और सुबह के टाइम पर ना ये सो जाते हैं मैक्सिमम बंदे, तो अपने पास ये एडवांटेज है। बट अगर जैसी दोपहर होगी ना तो ये दोबारा से उठ जाएंगे। भाई यहाँ पर कैसे घर वर चला के बंदों को मारा गया यार, कसम से बड़ी डेंजरस जगह लगती है मुझे। तो भी धीरे धीरे मुझे आगे बढ़ना है, उस वेयरहाउस तक पहुंचना है इन झाड़ियों के बीच से होते ही। मुझे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं लेनी वरना भाई उस चक्कर में फंसूंगा तो गंदा ही जाऊंगा। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं झाड़ियों में छुपता छुपता इस आइलैंड की काफी ज्यादा अंदर आ चुका हूँ। वैसे गाइस मैं आप लोग को एक चीज तो बताना ही भूल गया कि यहाँ पर ना टोटल 3 टर्मिनल्स है जहां पर दूसरी कंट्री से सामान आता है, तो यानी कि टोटल 3 जगह है जहां पर उस एयर डिफेंस उस डेथ मशीन के होने के चांसेस हैं, तो मुझे 3 अलग अलग जगह पर जाकर उसे ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल सामने की तरफ में एक हेलीकॉप्टर लग रहा है यहां पर ऐसे ब्लास्ट होकर गिर गया हो। और भाई ये जो हेलीकॉप्टर है ये पुलिस वालों का तो नहीं है शायद, नहीं यार ये मैं कोई आइडिया नहीं लगा सकता है किसका हेलीकॉप्टर है क्योंकि ये पूरा ब्लास्ट हो चुका है भाई कसम से। यहां की जो सिक्योरिटी है बहुत ज्यादा डेंजरस है, यह हेलीकॉप्टर अंदर जा रहा होगा आराम से और इन्होंने सीधा फोड़ डाला उसको। फिलहाल अभी मुझे ना यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है उन सभी को डाउन करना पड़ेगा। मैं अपनी स्नाइपर निकाल लेता हूँ, सामने की तरफ में ना गाइस मुझे एक वॉच टावर नजर आ रहा है, ये एक स्नाइपर टावर है और वहां से एक बंदा मुझे ही देख रहा है बनाया कलर से, चल तेरी भैंस की। मैंने सीधा गाइस उसके स्नाइपर बजाई है, शायद वो डाउन हो गया, साथ में उसके एक बंदा और है इसको भी अभी हम लोग डाउन करते हैं। चलो भाई यहाँ पर 2 बंदे थे, मैंने दोनों को डाउन कर दिया है बट ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पर सिर्फ इतनी ही सिक्योरिटी है। और एक सेकेंड भाई मैं उसको डाउन करके पूरा ओपन में क्यों जा रहा हूँ, नीचे की तरफ में गाइस काफी सारे बंदे खड़े हुए हैं, मुझे इनसे भी निपटना पड़ेगा। यहाँ पर एक बंदे का ध्यान सीधा सामने की तरफ में है, भाई बहुत गंदा शॉट मारा है मैंने इसका स्नाइपर से, वो भी सप्रेस्ड। और यहाँ के कुछ बंदे को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, एक बंदा यहाँ पर चुपचाप से खड़ा हुआ है, बाय बाय ब्रो। ओ दूसरे वाले बंदे को मालूम पड़ गया है, वो मुझे ढूंढ रहा है, बेटा शॉटगन से यहाँ तक शॉट नहीं आने वाला, इसको भी मैंने डाउन कर दिया है। भाई तड़प गए हैं बिल्कुल, चल तेरी ऐसी की तैसी निकल यहां से। अपनी स्नाइपर के अंदर गाइस एडवांस स्कोप लगा हुआ है और साथ ही इसके अंदर सप्रेसर लगा हुआ है ताकि मैं फायर करूं तो आवाज पूरे में गूंजे ना। तो गाइस अभी ना फिलहाल मुझे सामने की तरफ में एक बंदा और नजर आ रहा है और ये एक नहीं 2 बंदे हैं, फटाफट से इनके भी शॉट बजा के मैं इनको डाउन करता हूँ। मारा एक कोता बट पीछे वाले के भी बुलेट जाके लग चुकी है और उसकी बॉडी यहाँ पर गिर गई और सीधा जाने वाला है नीचे खाई में। लो भाई पानी के अंदर चला गया, साथ के साथ इसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। सामने की तरफ में एक और बंदा है, ये इसके हाथ में कोई मैप है, बाय बाय ब्रो निकलो यहाँ से।
भाई बहुत ही गंदा मार रहा हूँ मैं अपनी स्नाइपर से इन सबको। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मुझे यहाँ पर और बंदे तो नजर नहीं आ रहे हैं। जो जो बंदे वॉच टावर पे थे उनको मैंने मार दिया, और शायद पीछे से कोई आ रहा है। एक सेकंड, पहले ना मुझे यहाँ पर चलकर छुपना पड़ेगा। और गाइस वो देखो, सही टाइम पर भाई मैंने इनके पैरों की आवाज सुन ली। भाई दो ब्लैक ऑप्स सोल्जर उसी जगह पर आए हैं जहां से मैं फायरिंग कर रहा था। लग रहा है वो जो मैं सप्रेस्ड शॉट दे रहा था ना, इनको उनकी भी आवाज पहुंच गई है। और ये लोग यहां पर आकर भाई खड़े हो गए हैं। ओके, एक बंदा तो बिनाकुलर्स निकाल कर भाई देख रहा है आखिर ये सब सीन करा किसने। मैं इस बंदे को ना भाई डाउन कर देता हूं वरना गड़बड़ कर देंगे ये लोग। एक सेकंड, ओ भैंस की, यहां पर दूसरे बंदे ने मेरे को देख लिया है, इसको भी मैंने डाउन कर दिया। और मुझे गाइस फायर नहीं करना चाहिए था। भाई साहब ये बंदा कुछ ज्यादा ही फायर करने में लगा हुआ है। ले, जब मैंने प्यार से बोला शोर मत मचा ज्यादा बढ़िया रहेगा, भाई इसने मेरे 2-3 बुलेट्स बचा डाली है। वो तो सही है कि मैंने आर्मर पहना हुआ है वरना अभी यहीं पर गड़बड़ हो जाती। मुझे अब डर पता है क्या लग रहा है, इसने फायर करा है विदाउट सप्रेस्ड, बाकी सबको पता चल सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई बाहर का बंदा आया है। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि सुबह का टाइम है, तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम बंदे सो रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पर ये आवाज कैसी, अच्छा इनका ब्लड बहकर जा रहा है। और वो देखो गाइस, सामने की तरफ में मेरे को भी एक बंदा और नजर आया था नीचे की तरफ में। फटाफट से चलकर गाइस उन लोग को भी मुझे डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई आए ना आए इनको आवाज जाएगी ना तो ये मेरे पास सबसे पहले आएंगे। तो ये यहाँ पर पता नहीं यार खड़े होके, इनको पता तो नहीं चला है कि यहाँ पर फायरिंग हुई है, और इनको नहीं पता चला तो मेरे हिसाब से किसी को नहीं पता चला होगा। भाई भाई भाई, इसके बहुत गंदा शॉट मैंने मारा है, और दूसरे वाले की भी मस्त एकदम बचा दिया। दोनों बंदे डाउन हो चुके हैं। तो वैसे गाइस मैं कह रहा था कि मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा, और वो देखो सामने की तरफ में एक बंदा खड़ा हुआ है, पता नहीं ये पेपर लेकर यहाँ पर क्या ही करना चाह रहा है। चलो अभी फिलहाल मैंने इसकी भी एकदम मस्त बचा दिया है, पानी में जाकर ये गिर चुका है। और सामने की तरफ में यहाँ पर एक और बंदा खड़ा हुआ है। बेटा तू भी निकल फटाफट से, किसी का कोई काम नहीं है यहाँ पर। और भाई स्नाइपर का शॉट जब हेड पे पड़ता है ना, तो आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई कैसी सी हालत हो जाती है बंदे की। फिलहाल अभी रास्ता पूरा क्लियर है, ये वाला जो टर्मिनल है ना मैं इसे पूरा चेक कर सकता हूँ। और सोचो कुछ इसी टाइप के 3 टर्मिनल है यहाँ पर, अभी और भी सिक्योरिटी होगी, बट अभी वो सो रही है। फिलहाल हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल वो वाली जो वॉल थी उसको टाप कर मैं सीधा इस साइड पर आ चुका हूँ। फटाफट से ना गाइस हम लोग ना ये वाली जो रिवर है इसको पार कर चलते हैं सीधा दूसरी वाली साइड पर, ताकि हमें पता चल पाए कि आखिरकार वो जो एक सेकंड भाई सामने की तरफ में एक भाई खाली पीली का वहम था, मुझे लग रहा था वहां पर कोई बंदा खड़ा हुआ है। और अगर वो देख लेता ना भाई, ऊपर से वो वॉच टावर पे है जो स्नाइपर भजाता ना, हम भी कुछ वैसे गिरते जैसे ये लोग गिरे थे। फिलहाल मुझे यहाँ पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, मुझे यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और उस मशीन को मीन्स उस डिफेंस को मुझे ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये अलग साइड। ओ भैंस की, ये कहाँ से आ गया भाई? कसम से इस बंदे ने तो डरा दिया, ये आया कहाँ से तेरी भैंस की? बेहोश हो फटाफट से, मुझे स्नाइपर ही चलानी चाहिए, क्योंकि अगर मैं वो गन चलाऊंगा ना तो यहाँ के जो बाकी बंदे हैं वो जिंदा हो जाएंगे। भाई साहब कसम से भाई, इस बंदे ने डरा दिया, पता नहीं कहाँ से भागता हुआ आया था। अच्छी बात है कि इसके पास वेपन्स नहीं थे। फिलहाल ये जगह पता नहीं इन्होंने यार क्या ही बना रखी है। फटाफट गाइस हम लोग ना यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, झाड़ियों में छुप के चलूंगा ज्यादा बेटर रहेगा, बाहर निकलूंगा ना तो भाई बहुत ज्यादा खतरा है। वैसे गाइस लेफ्ट वाली साइड में ना यहाँ से भी ज्यादा बड़े बड़े वेयर हाउस है, तो एक बार ना मुझे वहां पर जाकर चेक कर लेना चाहिए। क्या पता वो जो एयर डिफेंस है वो उस वेयर हाउस के अंदर ही रखा हो और मैं खाली पीली यहाँ पर ढूंढने में लगा हुआ हूँ। फिलहाल यहाँ पर भी एक छोटा सा कैबिन बना रखा है और इसके अंदर कुछ भी काम का नहीं है। पता नहीं यार कैसे कैसे अजीब अजीब से टूल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, मुझे तो भाई इनका कसम से यूज भी नहीं पता। इस टाइप के टूल्स ना टेररिस्ट के पास ही देखने को मिलते हैं। जब मैं काफी टाइम पहले टेररिस्ट के बेस पे गया था ना, तो सेम यही टूल्स वहां पर भी रखे हुए थे। फिलहाल अभी जल्दी जल्दी से ना हम लोग आगे चलते हैं। मुझे गाइस ये वाली जो रिवर है ना इसको पार करके उस साइड जाना है, और ये जो बड़े बड़े वेयर हाउस है इसके अंदर जाकर मुझे देखना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, पहले हम लोग ना अंडर वाटर चले जाते हैं ताकि हमें कोई भी देख फेंक ना पाए, अगर देख लेगा ना तो बहुत गड़बड़ जाएगी। फटाफट गाइस अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर ना कोई भी बंदा नहीं है, गन हाथ में रहनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कभी भी किसी भी टाइम गड़बड़ हो सकती है। कि वेयर हाउस के गेट बंद है यार, मैं अंदर कैसे जाऊंगा? ये वाला गेट ये भी पूरा बंद हो रखा है भाई, अंदर जाना बहुत मुश्किल है। अगर गेट बंद है तो हो सकता है भाई वो आइटम यहीं रखा हो। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मेरे हिसाब से आगे का रास्ता एकदम क्लियर है। फटाफट गाइस अभी ना हमें जल्दी से वेयर हाउस के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यार अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर हमने थोड़ी बहुत भी लेट करी ना तो भाई फिर इनके उठने का टाइम हो जाएगा और हम लोग बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। और यार ये जो वेयर हाउस है भाई, इसका इतना बड़ा इधर गेट लगा हुआ है, और ये गेट भी ऐसे बंद हो रखा है जैसे ये लोग खुद भी कभी इसे ना खोलते हो। भाई मुझे सच्ची में यार कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि आखिरकार वो जो मशीन है वो कहां पर होगी।
क्योंकि बड़े बड़े जो वेयर हाउस है वो सारे चारों तरफ से लॉक रखे हैं। फिलहाल इस तरफ में भी एक छोटा सा वेयर हाउस है, इसके अंदर तो नहीं है भाई वो मशीन, कोई छोटी मोटी मशीन नहीं है, काफी ज्यादा बड़ी है यार, वो हमें इजीली दिख जाएगी अगर जहां पर भी होगी, उसे इतना ज्यादा हमें इधर उधर घूम के ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस तरफ में ये क्या है, एक सेकेंड भाई साहब, यहाँ पर तो शायद से ये लोग ड्रग्स वगैरह का काम करते हैं भाई। ओ एक सेकंड, सामने की तरफ में एक बॉडी गार्ड है, इसको भी मुझे डाउन करना पड़ेगा। सही है कि भाई किसी ने देखा नहीं, भाई कोई तो चिल्लाया, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। एक बंदा यहाँ पर भाग कर आ गया। ओ भाई गोलियां चलने लग गई। नहीं नहीं यार, मैं कसम से ये चीज नहीं चाहता था भाई। वहां पर जो बॉडी गार्ड थे ना, उनको मालूम पड़ चुका है। सामने की तरफ में भी एक बंदा वहां पर खड़ा हुआ है, इसको मैंने डाउन कर दिया है। भाई 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 वो सामने से तो कहीं से आया है। ओके ये रहा, इसको मैंने डाउन कर दिया। एक बंदा इधर और था, इन दोनों को भी मैंने डाउन कर डाला है। यार जो चीज मैं नहीं चाहता था वो हो गई, मैं उसको ढूंढते ढूंढते ऐसी जगह पर आ चुका हूँ जहां से मुझे निकलने का भी रास्ता नहीं पता। चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जिस रास्ते से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, अभी फटाफट उसी रास्ते से मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। फिलहाल एक बंदा उधर और था, उसको भी मैंने मार के डाउन कर दिया है। बट मुझे अभी ना गाइस उम्मीद नहीं लग रही कि मैं यहाँ से निकल पाऊंगा, क्योंकि ये जो लोग है ना बहुत ज्यादा डेंजरस है। मुझे भाई टाइम टू टाइम पूरा प्रॉपर कवर लेना पड़ेगा, वरना यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती है। सामने की तरफ में एक बंदा और है, मुझे नजर नहीं आ रहा यार, यहाँ पर इतनी ज्यादा झाड़ियां है ना, मैं क्या बताऊं। उसने एक बुलेट मेरे और बजा दिया, बाहर आ रहा है वो सीधा। मैं पहले से ही गोलियां चला के रखता हूँ, एक आपको उसके पड़ी जाएगी। लेट्स गो। अभी फिलहाल मैंने इसे मार के डाउन कर, नहीं उठ वापस तेरी ऐसी की तरह, वापस मत उठियो किसी कीमत पे। भाई साहब धीरे धीरे मुझे यहाँ से आगे निकलना पड़ेगा। सामने की तरफ में भी एक बंदा और आ चुका है। भाई 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 कहीं से तो वो मार रहा है, बट वो आ रहा है आ रहा है। नहीं 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 आने का नहीं, बिना निशाना लगाया भाई, अंधा फायर करके मैंने से। ओ भाई साहब सामने से आया चाकू लेके मेरे को मारने। भाई 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 कसम से भाई, अभी तो ये पेट में ही चाकू मार डालता यार। चारों तरफ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ये बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ कर देंगे। तेरी भैंस की, बहुत ज्यादा पास आके लड़ रहा है। ओ सिलेंडर फटने वाला है मुझे। अब भाई बच गया कसम से, अगर उस टाइम मैं देखता नहीं ना, वो सिलेंडर मेरे ऊपर ही फट जाता भाई। भाई साहब पेट वेट में तो इन्होंने गोलियां बचा दिया है, इसको थोड़ा सा और मैं मारता हूँ। भाई 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 मुझे अभी छुपना पड़ेगा सबसे पहले यहीं कहीं पे। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मुझे यहाँ से बाहर निकलना है ना, तो इन सबसे भाई बाहर निकल के ना एकदम बढ़िया तरीके से सामना करना पड़ेगा, वरना यार भाई ये लोग कसम से मुझे यहीं पर ढेर कर डालेंगे। पावरफुल तो बहुत ज्यादा है। एक बंदा यहाँ पर और आया था भाग कर। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी मैंने इसको भी डाउन कर दिया है। भाई साहब कसम से मुझे पता नहीं था ये सारे जाग रखे होंगे, मैं तो बस वहां पर देखने गया था, मुझे एक बंदा नजर आया और भाई मुझे उसे मारना पड़ता वो थोड़ी देर में, वरना मेरे को देख ही लेता। लाल सामने की तरफ में एक बंदा मुझे और दिखा है, इसको भी मैंने डाउन कर दिया। फटाफट से गाइस मैं ना ये वाली रिवर पार करके उसी साइड पर चलता हूँ, क्योंकि ये वाले जो वेयर हाउस है ना यहाँ के पूरे लॉक रखे हैं, और मेरे हिसाब से इसके अंदर भाई कुछ था भी नहीं। फिलहाल यहाँ पर एक बंदा और है जो कि मेरा इंतजार कर रहा है सामने से आने का, बट उससे पहले मैं इसको डाउन कर देता हूँ भाई। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं ये रिवर पार करके दूसरी साइड पर आ चुका हूँ जहां पर मैं पहले आया था, और अगर मुझे इधर कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो यार मुझे वापस से किसी दूसरे टर्मिनल पर जाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर यार सामने से बंदे आ चुके हैं, और इन हरी झाड़ियों में ना मुझे कोई भी ढंग से नजर नहीं आ रहा पूरा सामने की तरफ में। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसके तो मैंने हेडशॉट बजा के इसे डाउन कर दिया है नीचे। अच्छा यहाँ पर दो दो बंदे थे, चलो कोई नहीं मैंने दोनों को मार डाला। बट अभी मुझे काफी ज्यादा संभल संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यार इनको मैं हल्के में नहीं ले सकता, ये फुल ट्रेंड टेररिस्ट है। इनका निशाना भाई कसम से बिल्कुल नहीं चूक रहा है, हर बार जो सीधा चेस्ट पे आके इनकी बुलेट्स मेरे पड़ रही है। फिलहाल धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सामने की तरफ में मुझे एक बंदा और नजर आया। नहीं 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 उससे पंगा नहीं लेना भाई, बट अभी मैंने उसकी तरफ में फायर कर दिया है। ओ भाई ये क्या है, एक सेकंड इसके अंदर अभी मैं फंस ही जाता बहुत गंदे वाला। अपनी M24 बाहर निकाल लिया मैंने। आओ बेटा चल तेरी भैंस की, उठ के दिखा रहा है वापस से मेरे को, बुलेट पड़ गई है बट अभी भी इसके। ओ भाई भाई एक सेकंड, एक और बंदा आ रहा था सामने से, इसको मैंने मार डाला, और ये भी यहाँ पर डाउन हो चुका है। भाई चारों तरफ देखकर चलना पड़ रहा है, एक बंदा यहाँ पर और आ चुका है। चल तेरी भैंस की, एक बुलेट मारी और देखो कहाँ ड्रम में जाकर इसका मुंह घुस गया है। बेटा दोबारा उठने की कोशिश मत करियो, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, एक और हेडशॉट खा ले बट दोबारा से मत उठियो। सामने की तरफ में एक बंदा और दिखा था, इसको भी अभी मैंने डाउन कर डाला है, इसको तो भाई डांस करा दिया मैंने पूरा। ओके 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 गाइस अभी ना फिलहाल मुझे सामने की तरफ में बंदा नजर आ गया है जो कि मेरे को मारने के लिए आ रहा था। हेलो हेलो, अरे भाई साहब इधर खड़ा हूं मैं, मार के दिखा तेरी भैंस की, इसको भी पूरा। चल तेरी हेड पे दो तीन शॉट हम लोग इसको बजा देते हैं। लेट्स गो, इसको मैंने डाउन कर दिया है। फटाफट गाइस हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कसम से यार ये सारे गार्ड्स जो है, सॉरी गार्ड्स नहीं, ये सो टेररिस्ट है, और ऐसी ऐसी जगह पर भाई छुप कर बैठे हुए हैं, मैं क्या बताऊं। यहाँ पर ये जो इनके टैंक है ना भाई, इनको भी ब्लास्ट करना पड़ेगा ताकि इसके ओ भाई ऊपर की तरफ में एक बंदा है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने तीन चार बंदों को और मार के डाउन कर दिया है। अभी मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। सामने की तरफ में मुझे एक बंदा और नजर आया, फटाफट से इसको भी मार के मैंने डाउन कर दिया है,
और एक गंजा भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। रुक जा, तू मेरी तरफ आए, उससे बढ़िया मैं कवर लेता हुआ ना तेरे से पहले तेरी तरफ आ जाता हूँ, ताकि जो फाइट है ना वो एकदम बढ़िया वाली है। उठ जा उठ जा उठ जा बेटा, अभी तू कुछ नहीं कर सकता, उठते ही तेरे पड़नी है बहुत गंदी वाली। चलो इसको मैंने मार के डाउन कर दिया, बट मुझे लगता नहीं है ये मरा होगा। हाँ पर गया, मरने की एक्टिंग कर रहा है बेटा। एक मिनट रुक जाओ, आपके इस तैसी मैं करता हूँ एक मिनट में। तेरी भैंस की एक्टिंग करेगा मरने की, एक बुलेट मारी है पैर पे, उसमें ढेर होकर दिखा रहा है मुझे। मुझे पता था जैसे ही मैं आगे जाऊंगा मुझे उठ के मारने वाला है। फिलहाल ऐसा हो नहीं सकता, सामने की तरफ में बंदे ना हो, और सही में नहीं है एक ये वाला वेयर हाउस है, ये भी मैंने चेक नहीं करा। यहाँ पर सच्ची में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, और इधर एक कंटेनर रखा हुआ है, ये शायद से ओ भाई साहब फाइनली गाइस हमें वो जो मशीन है वो मिल चुकी है गाइस, इसी को हमें चुरा कर यहाँ से निकलना है। बट यार इसको लोड कराना बहुत मुश्किल है, इसको लोड कराने के लिए ना गाइस मुझे क्रेन चाहिए होगी। बट यार क्रेन किस लिए, हम लोग तो इसे उड़ा के ले जाने वाले हैं ना। बट यार जो भी हो क्रेन तो भी चाहिए होगी, और क्रेन काफी ज्यादा दूर है। मैं इसे निकालूंगा कैसे यहाँ से बाहर मुझे समझ नहीं आ रहा। पीछे की तरफ में एक हेलीकॉप्टर खड़ा था ना, कार्गो बॉब, और कार्गो बॉब हेलीकॉप्टर में मैग्नेट होता है, और ये कंटेनर आयरन के हैं तो सीधी सी बात है वो मैग्नेट इसे चिपका लेगा। हम लोग चाहे तो भाई उसके थ्रू इसे लेकर यहाँ से निकल सकते हैं, अदरवाइज मुझे बोट से जाना होगा। भाई चीज तो मुझे मिल गई है, पर टेंशन की बात यह है मैं उसे यहाँ से लेकर कैसे जाऊंगा। चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, फिलहाल मुझे जहाँ पर हेलीकॉप्टर दिखा था ना फटाफट पहले तो मैं वहां पर चलता हूँ। सामने की तरफ में कोई तो है फायर कर रहा भाई मेरे ऊपर, पीछे से भी बुलेट्स आ रही है, और सामने की तरफ में ये खड़ा वो बंदा, इसको सबसे पहले मुझे डाउन करना पड़ेगा। ऐसे की तैसे बहुत तेज भागता हुआ आया था मेरे को मारने के लिए, M4 ही मैंने रख रख के इसके बजा दिया है, और यहाँ पर एक गंजा खड़ा हो रखा है। चल बेटा तू भी निकल यहाँ से। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं सीधा घूम कर जाने वाला हूँ उस हेलीकॉप्टर के पास, जिसमें बैठकर और उस कंटेनर को लेकर मैं यहाँ से निकलूंगा। सामने की तरफ से फिर किसी ने मारा, वो रहा वो बंदा। भाई मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई तो ना टावर के ऊपर से भी मुझे मार रहा है। बट यार जहां तक टावर के ऊपर जो बंदे थे ना मैंने उनको मार दिया था, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई और वहां पर बच रहा हो। वैसे नहीं यार जो उस साइड होगा वो मुझे थोड़ी उस टाइम पर दिखा होगा। चलो कोई नहीं, फिलहाल यहाँ पर जो जो बंदे अभी मुझे दिख रहे हैं पहले उनको डाउन करता हूँ। ओ सामने दिखा, निकलो यहाँ से आप तो सर जी। कोई बंदा ना मेरे बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है बट मुझे नजर नहीं आ रहा। एक तो ये अभी अभी आया था इसको मैंने डाउन कर दिया है, शायद यही था वो बंदा। बट यार यहाँ पर अभी कसम से काफी ज्यादा बंदे हैं, फटाफट से मुझे इस हेलीकॉप्टर को उड़ाना पड़ेगा। मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि इसके अंदर वो मैग्नेट है या फिर नहीं है, बट अभी अगर होगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया सीन है, वरना तो यार मुझे नहीं मालूम मैं उस कंटेनर को यहाँ से लेकर कैसे निकलूंगा। एक बार मैं ट्राई करता हूँ इसका मैग्नेट बाहर निकालने की। तो ओके गाइस अपनी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर वो मैग्नेट है। अभी फटाफट से ना गाइस हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को उस कंटेनर के पास लेकर चलते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने अपनी कार को वो हेलीकॉप्टर का ये जो मैग्नेट है ना इसे तो ऑन कर लिया है, और साथ ही इसकी जो मैग्नेटिक पावर है ना जिससे ये सारी आयरन वाली चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको भी मैंने ऑन कर दिया है। काफी सारा ढेर सारा आयरन भी इससे आकर चिपक सकता है। फिलहाल मुझे कंटेनर चाहिए, और वो देखो कंटेनर कैसे इसके पास आ रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जैसे तैसे करके मैंने इतनी ज्यादा कोशिशों के बाद इस हेलीकॉप्टर के मैग्नेट से इस कंटेनर को अटैच कर लिया है, जिसके अंदर भाई वो खतरनाक एयर डिफेंस पड़ा हुआ है। फटाफट गाइस मुझे ना अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा सीधा लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि अगर भाई ये लोग की अगर पूरी फोर्स यहाँ पर आ गई ना तो मेरा जिंदा यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो जो काम है ना गाइस बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ गया था, एक बार को तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं यहाँ से जिंदा नहीं जा पाऊंगा। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं इस हेलीकॉप्टर को इस कंटेनर के साथ लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा लॉस सैंटोस, वो भी एकदम सेफली। मुझे यार अभी ना एक चीज समझ नहीं आ रही कि जब मैं बीच रास्ते में था ना तो यार मुझे माइकल की वाइफ अमांडा के बहुत ज्यादा कॉल आ रहे थे, जब मैं जा रहा था तब भी आ रहे थे, लास्ट नाइट भी आए थे, और अभी दोबारा से आए। मुझे पता नहीं भाई क्या सीन हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई वो किसी बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में हो, कहीं मिलिट्री कर्नल घर पे तो नहीं पहुंच गया भाई, क्योंकि उसने बोला था शहर छोड़कर नहीं जाना और मैं बाहर भी गया। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ गाइस, ये जो वेपन है ना ये मैं बिग माफिक भाई को बाद में दूंगा, पहले मैं चलता हूँ अपने घर पर, देखते हैं भाई आखिर सीन क्या है। मेरे को लग रहा है कि भाई माइकल की फैमिली किसी प्रॉब्लम में है। तो ओके गाइस फाइनली मैं अपने हेलीकॉप्टर को लेकर सीधा घर पे पहुंच चुका हूँ, और यार अपने पास मेंशन तो बहुत ज्यादा बड़ा है बट इसके अंदर कोई भी हेलीपैड नहीं है, इसलिए मुझे इस हेलीकॉप्टर को स्टैनिस कोर्ट पे लैंड करवाना पड़ेगा। फिलहाल एकदम सही टॉप पर हम लोग इसके, जल्दी से इसे अब डाउन करते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल इस कंटेनर को मैंने नीचे रखवा के अपने हेलीकॉप्टर का मैग्नेट बंद कर दिया है, फटाफट से हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को भी यहाँ पर लैंड करवा देते हैं। और क्या ही सेफली लैंडिंग हुई है, मतलब टेनिस कोर्ट अपना यार बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर हम लोग चाहे तो भाई हेलीपैड बनवा सकते हैं। फिलहाल अभी ना जल्दी से हम लोग अपने घर के अंदर चलकर देखते हैं आखिरकार क्या सीन है।
पहले इन लोगों ने मुझे दबा के कॉल करा, उस टाइम मैं पूरा बिजी था, मैंने इनका कॉल उठाया नहीं। और जब मैंने कॉल बैक कर रहा हूँ तो यार इनमें से कोई भी कॉल नहीं उठा रहा है, ना ही जिमी उठा रहा है, ना ही अमांडा कॉल उठा रही है। अब फटाफट से गाइस घर के अंदर हम लोग चल कर देखते हैं भाई आखिरकार क्या सीन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ पर मिलिट्री कर्नल आ रखा है पहले से हमें अरेस्ट करने के लिए, वो यहाँ पर बैठा हुआ है। जैसे हम लोग घर में जाए गड़बड़ जाए। फिलहाल मैं पीछे वाले गेट से नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कोई जाते ही गड़बड़ हो। आगे वाले गेट से चलते हैं और चलकर देखते हैं क्या सीन है। फिलहाल मुझे यहाँ पर ना ही अमांडा की कार नजर आ रही है, ना ही मुझे मेरी ब्लू वाली कार नजर आ रही है। हेलो भाई, सारी गाड़ियां कहाँ पर चली गई यार अपनी? तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं घर में आ चुका हूँ। और यार सच्ची में आज घर में तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं घर में आ चुका हूँ। और आज यार इतनी ज्यादा शांति कैसे है? मतलब घर में कोई नजर ही नहीं आ रहा और आवाज लगाने पे भी कोई बोल नहीं रहा। यहाँ पर इन लोगों ने लेटर छोड़ा शायद से मेरे लिए। माइकल, I think you finally lost your mind. Oh. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. भाई मुझे लग रहा है इसकी जो फैमिली है वो पूरी परेशान हो चुकी है भाई इन सब चीजों से। And then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. वो भाई भाई क्योंकि last time black ops soldier भी घर पर आ गए थे। We've decided to move out for a while. और उनको मालूम पड़ चुका है कि भाई माइकल बहुत गलत बंदा है, कभी भी मारा जा सकता है। और उस चक्कर में जिमी और ट्रेसी भी मारे जा सकते हैं। Please don't try to contact us and try not to get yourself killed. Okay. भाई बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया भाई। अभी हम लोग सोच रहे थे भाई कि सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, बिग माफिया के भाई से भी अपनी दोस्ती हो गई है, तो किसी से भी अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। बट यार यहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि माइकल की फैमिली भाई उसे छोड़कर जा चुकी है। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए भाई। बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो गया। और ये देखो भाई, पहले हमेशा ये जूस बने रहता था बट आज भाई ग्लास खाली पड़ा है। पता नहीं यार, अब उन्होंने मुझे मतलब कि उन्होंने मना करा है भाई उन्हें फोन करने से। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी वो जो मैं एयर डिफेंस चुरा कर लाया हूँ ना, उसे मैं बिग माफिया के भाई को देने बाद में जाऊंगा। अभी फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है, काम करते हैं भाई, चल करना पहले सोते हैं। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 1.2 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। हमेशा की तरह भाई आज हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है, बट फिर भी गाइस आपको आज की वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स में जाकर जरूर बताना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट से यार जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे दबा दो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।